हेलो हेलो, ठीक है। हाँ तो गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या करने वाले हैं सर आज? सर आज कस्टम्स का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं अपन। एग्जाम्स के थोड़े दिन बचे हैं आपके कम, और कस्टम आखिरी बचा आपका, आज कस्टम निपटा देंगे, बस फिर आपका कोर्स कंप्लीट। रिवीजन आप अच्छे से पेपर देके आइएगा। आज सर क्या नया दिख रहा है? ब्रांडिंग नहीं दिख रही आज, देखो आज ब्रांडिंग नहीं दिख रही है ना अपनी क्लासेस में। आज टी शर्ट पहना है कपिल कॉमर्स क्लासेस का, ठीक है। आपसे रोज सर यूनिफॉर्म में मिलेंगे, ये मेरी यूनिफॉर्म, ठीक है। ओके नोट्स खोल लूँ मैं आपके? हाँ सर नोट्स खोल लो, नोट से पढ़ाओ। देखो सबसे पहले आ जाते हैं अपन कस्टम पे। कस्टम यार देखो, स्टार्ट करने से पहले वैसे तो सबको पता ही है, फिर मैं क्या बेसिक बात करना तो पसंद करूँगा कि कस्टम होता क्या है। देखिए कस्टम क्या होता है, कस्टम और जीएसटी में फ़र्क क्या है? जीएसटी है इंडिया का टैक्स, ठीक है। कस्टम भी इंडिया का ही टैक्स है, पर इंडियन लॉ ने लिखा है आपका जीएसटी, पर कस्टम लिखा इंडियन नहीं लॉ है, पर मन चाह चेंज अपन कस्टम लॉ में नहीं कर सकते। ये गवर्न बाय यूएनबी होता है, ठीक है। कस्टम लगता है आपका ओनली एंड ओनली गुड्स पे, जबकि आपका जीएसटी लगता है गुड्स एंड सर्विस दोनों पे। जीएसटी का नाम ही क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पर कस्टम किस पे लगता है? सिर्फ और सिर्फ गुड्स पे। अगर कोई भी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो रही है या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो रही है, उस पे कस्टम का लॉ बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। कस्टम सिर्फ एप्लीकेबल है आपके गुड्स एंड गुड्स पे, ठीक है। हाँ सर, और क्या खास बात है सर कस्टम से? कस्टम्स में यार बेसिक ये बात है कि कस्टम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में ही केस में लेवी होता है, तो वो छोड़ मत करें, है ना। कस्टम सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में लेवी होता है, आपका कस्टम नहीं लगता कभी भी जब इंडिया के इंडिया में माल बेचा करा जा रहा है तो, है ना, ठीक है। तो अब कस्टम से रिलेटेड कुछ बात जान लेते हैं अपन, कि सबसे पहले अपन ना जानना जरूरी है कि सर जनरल बैकग्राउंड क्या है। सर देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपका, मैं बोर्ड यूज़ ना करके ये बोर्ड इसको ही नोट्स में ही लिख देता हूँ, ओके ध्यान से समझिएगा। ये आपका अगर इंडिया है, इंडिया का मैप बना रखा है ये, ठीक है ना। ये जो आपका साउथ साइड है पूरा, जहाँ पे वाटर लगता है, वो वाला इंडिया बना सकता है। सर ये इंडिया इतना ही क्यों बना रखा है? पूरे चैप्टर में आप कस्टम में पाओगे कि सर आपने ना ज़्यादा है ना ये इंडिया का जो नीचे जो साउथ पार्ट है ना वही दिखा रखा है, ना ईस्ट ना वेस्ट ना नॉर्थ, ठीक। क्यों सर? अरे ज़्यादा है कस्टम क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा शिप से होता है, और शिप पानी में चलता है, तो पानी यहाँ पे है। इसलिए मेरा पर्पस ऐसा कुछ नहीं कि इंडिया अपना इतना है, तो इंडिया अपना पूरा, पर मैंने यहाँ पे इंडिया तक बना रखा है, क्योंकि मेजरली 75% ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कहाँ से होता है? आपके शिप से होता है, जहाज से होता है, ठीक है। इसलिए अपन ने ऐसा डायग्राम बनाया है। आगे सर एमसीपी क्या लिखा हुआ है? मुंबई कस्टम बोर्ड। सर ज्यादातर आपके क्या है, पानी तो आपका हर जगह लग रहा है। ये क्या वर्ड, ये पेन खराब है, पेन लेके फटाफट से दूसरी क्लास से। एक मिनट बच्चों, बस एक मिनट। सर जब तक बोलते जाओ, हाँ बोलता चल जाता हूँ। क्या है आपका, क्या है मुंबई कस्टम बोर्ड के यार, पानी से लगते हुए जितने भी आपके ये पूरी की पूरी जो कोस्टल लाइन है, जो पूरी की पूरी जो कोस्टल लाइन है ना, हर पे पानी टच हो रहा है ना सर, हर पे पानी टच हो रहा है। तो हर क्या, हर पोर्ट मुंबई कस्टम ऑथराइज कस्टम पोर्ट है क्या? हर पोर्ट कस्टम पोर्ट है क्या सर? मतलब आने दो पेन, पेन की हेल्प से ही समझा पाऊंगा, ठीक है। कोशिश करूँ जब तक, इससे कोशिश कर लेते हैं। देखो पोर्ट तो आपका यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, हर स्टेट पे भी टच हो रहा है, तो क्या पूरे के पूरे पोर्ट आपके मुंबई आपके कस्टम पोर्ट है क्या? नहीं, चल तो नहीं रहा। सारे के सारे पोर्ट आपके कस्टम पोर्ट नहीं है सर, इसलिए जो भी ऑथराइज एरिया होता है ना पानी में, ये भी ये जो पोर्ट है, जो भी ऑथराइज पोर्ट है उसको क्या कहा जाता है? कस्टम पोर्ट। बाकी हर जो बाकी सारे पोर्ट है उसको कस्टम पोर्ट नहीं कहा जाएगा, मतलब माल आएगा और जाएगा, ठीक। तो कस्टम पोर्ट के द्वारा ही आएगा जाएगा, हर किसी पोर्ट पे आप लैंडिंग नहीं करवा सकते, ठीक है। तो हो गई मुंबई कस्टम पोर्ट की आपके जानकारी, कि भैया मुंबई कस्टम पोर्ट के आगे, मुंबई पोर्ट तो आप जानते थे, कस्टम पोर्ट कब लगा उसके आगे? थैंक यू, है ना। कस्टम कब लगा उसके आगे? जब वो ऑथराइज्ड है ना। पोर्ट तो ये सारे ही है भाई, हर अगर पानी यहाँ टच हो रहा है तो हर जो आपका किनारा है सारा का सारा पोर्ट ही है, ठीक। बंदरगाह तो आपको किनारा तो कहीं भी मिल जाएगा, पर किनारा हर किनारा आपका कस्टम पोर्ट थोड़ी ना। कस्टम पोर्ट कौन सा होता है? जो भी एरिया आपका ऑथराइज बाय सीबीआईसी होता है, कस्टम डिपार्टमेंट से जो भी आपका ऑथराइज होता है उसको कस्टम पोर्ट कहा जाता है फाइनली, ठीक है। तो एमसीपी ये क्या है? मुंबई कस्टम पोर्ट है, क्योंकि उसको मुंबई में जो पोर्ट है उसको क्या किया रखा है? ऑथराइज कर रखा है, ठीक है। हाँ सर ठीक है, आगे बढ़ाओ। सर आगे बात है कि या तो होगा इंपोर्ट, कस्टम्स में क्या कर रहे होंगे, या तो अपन इंपोर्ट कर रहे होंगे या एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक। इन्हीं दो चैप्टर की वजह से अपना कस्टम्स चैप्टर आया है, इन्हीं दो टर्म्स की वजह से अपना कस्टम चैप्टर का जन्म हुआ है, ठीक। या तो अपन कर रहे होंगे इंपोर्ट या कर रहे होंगे अपन एक्सपोर्ट, ठीक। इंपोर्ट पे लगेगी इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट पे लगेगी क्या? एक्सपोर्ट ड्यूटी। सर एक्सपोर्ट ड्यूटी मतलब आप हमें जीएसटी जब तक पढ़ा रहे थे, और आप प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ा रहे थे, और प्लेस ऑफ सप्लाई में आपका इंटेंशन क्या था? बार बार क्या बोल रहे थे? अगर इंडिया से बाहर प्लेस ऑफ सप्लाई पड़ गया
तो एक्सपोर्ट द गुड नॉट द टैक्सेस, तो एक्सपोर्ट जब करेंगे जब अपन टैक्सेस नहीं लेंगे, और यहाँ पे तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो फिर भी एक्सपोर्ट ड्यूटी ले रहे हो, हाँ क्योंकि इंडिया एक बहुत ही अच्छी कंट्री है, दया धर्म इंडिया में माना गया है, अहिंसा परमो धर्म, ठीक। तो इंडिया में गलत काम करने को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करा जाता, ठीक। अब हम ऐसा पैसा नहीं कमाना चाहते जो अहिंसा के द्वारा आया हो, ठीक। तो ऐसी चीज़ें पे जिसपे थोड़ा सा वायलेंस होता हो, क्रूर इंडिया बन जाए, इसलिए वैसा पैसे पे हम क्या कर रहे हैं, हमने ड्यूटी लगा दी जिससे कि सच में वो महंगा हो जाए। हम ऐसे प्रोडक्ट को सच में एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो महंगा करने के लिए हमने उस पर क्या लगा दिया, कस्टम पोर्ट। सर ऐसा कौन सा काम है, देखो लेदर आर्टिकल, लेदर आर्टिकल पता है आपको, एनिमल की स्किन, एनिमल को मार के उसके स्किन में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है लेदर। तो हम नहीं चाहते कि भैया यहाँ पे स्लॉटर हाउसेस खुले, है ना, बूचर हाउसेज यहाँ इंडिया में खुले और लेदर यहाँ पे इंडिया में एक्सट्रैक्ट किया जाए। कोई बात नहीं, पैसा नहीं कमाना, पर हम ऐसा गंदा काम करके नहीं चलेंगे, है ना। लेदर आर्टिकल्स, एनिमल स्किन, ये सब हमें, इनसे सबको पैसा नहीं चाहिए, इसलिए इसको क्या कर दिया हमने, महंगा कर दिया। महंगा कैसे कर दिया, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा के। सर स्टील प्रोडक्ट, आयरन ओर्स, ये इनमें से कोई वायलेंस नहीं है सर, ये तो नॉन वायलेंस चीज़ें हैं। हाँ सर ये नॉन वायलेंस चीज़ें, बट इसमें क्या है, इंडिया के पास पहले इन चीज़ की कमी है। अरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंडिया में खर्च करो ना, अगर इंडिया के पास आयरन ओर पड़ा है, स्टील पड़ा है, तो इंडिया में लगाओ, इंडिया को खूब जरूरत है। तो ऐसी चीज़ों को, ये एक्सपोर्ट ना हो जाए, इंडिया का अपना आयरन रिसोर्सेज कमजोर ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई। तो कहीं किन्हीं चीज़ों पे, गिनी चुनी चीज़ों पे, है ना, हर चीज़ पे नहीं, किन्हीं गिनी चुनी चीज़ों पे क्या लगती है आपकी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, सारी चीज़ों पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लग के भी नहीं चलती है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं अपन। तो सर इम्पोर्ट तो भैया इम्पोर्ट ऑफ गुड्स जब भी होगा, मैंने ये बता ही दिया कि कस्टम्स में क्या है, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पे या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी लेवी होगी, सर्विसेज पे ये चैप्टर लगता ही नहीं है। सर्विसेज पे ये चैप्टर लगता ही नहीं है। आगे तो सर इम्पोर्ट पे, जैसे एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लग गई, वैसे इम्पोर्ट पे इम्पोर्ट ड्यूटी लग जाएगी, हाँ हाँ बिल्कुल इम्पोर्ट पे इम्पोर्ट ड्यूटी लग जाएगी, उसको बोलेंगे बेसिक कस्टम ड्यूटी, ठीक है। सर आगे बढ़ो, तो यहाँ पे आपको इस चैप्टर में बताया गया है, अभी तो अपन बेसिक डायग्राम क्लियर कर रहे हैं ना, बेसिक डायग्राम में अपन बहुत सारा चैप्टर क्लियर कर लेंगे, और वैसे भी रिविजन्स में तो आपका डायग्राम से ज़्यादा पढ़ो तो ईजी है, क्यों जल्दी से जल्दी खत्म होगा अपना कोर्स। कस्टम ड्यूटी में क्या बता रखा है, या तो इम्पोर्ट ड्यूटी होगी या एक्सपोर्ट ड्यूटी होगी, एक्सपोर्ट ड्यूटी इन इन प्रोडक्ट पर लगेगी, बाकी चीज़ों पर नहीं लगती। सेक्टर लिखा हुआ तो है पर बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर है नहीं एक्सपोर्ट ड्यूटी में, इम्पोर्ट ड्यूटी तो हर एक गुड्स पर लगती है जो भी चीज़ इंडिया में इम्पोर्ट करी जा रही है, सब्जेक्ट टू सर्टेन एग्जेम्पशन, कुछ एग्जेम्पशन तो दे रखी है, ठीक है। एग्जेम्पशन अभी आने वाले चैप्टर में अपन धीरे धीरे पढ़ लेंगे, अभी तो तुम्हारे माइंडसेट में तुम ये दिमाग में लेके चलो कि इंपोर्ट जब भी करा जाएगा, जब जब इंपोर्ट ड्यूटी आपसे लेवी करी जाएगी, कलेक्ट करी जाएगी। लेवी एंड कलेक्ट में क्या डिफरेंस है, लेवी मतलब इंपोज करना, कलेक्ट मतलब उसको इंपोज करके कलेक्ट कर लेना, ठीक। बैकग्राउंड ऑफ कस्टम लॉ, बैकग्राउंड क्या है यार, बहुत पुरानी सी बात है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाँ भाई पुराना है, उस समय जब एंशियंट इंडिया से टाइम से आया था, ब्रिटिश पीरियड में 1786 में इसका जन्म हुआ था, ठीक। एक होता है इंडियन कस्टम एक्ट, इंडियन टैरिफ एक्ट, क्या है सर दोनों का डिफरेंस, कस्टम एक्ट में लिखा हुआ है आपका लॉ, ठीक है, टैरिफ एक्ट में लिखी हुई आपकी रेट्स। टैरिफ मतलब क्या होता है आपका, रेट्स ही तो होता है, टैरिफ मतलब ही आपका क्या होता है, रेट्स, ठीक। तो कस्टम, इंडियन कस्टम एक्ट में लिखा हुआ है आपका लॉ कि भैया इंपोर्ट किस तरह से होगा, कैसे कैसे होगा, इंपोर्ट पे जितना भी लॉ गवर्न है वो कहाँ लिखा हुआ है आपका, इंडियन कस्टम एक्ट 1962 में, और इंडियन टैरिफ एक्ट 1975 में क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखी हुई रेट्स। अगर इंपोर्ट किया तो कुछ तो रेट से टैक्स लगाएंगे ना, वो रेट्स कहाँ डिस्क्राइब है आपकी, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में, ठीक है। सर टैरिफ एक्ट में दो शेड्यूल बने हुए हैं, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2, दोनों में क्या डिफरेंस है, अरे यार दोनों में ये डिफरेंस है कि शेड्यूल 2 पहले समझ लेते हैं। शेड्यूल 2 में क्या है, 1 में तो लिखी हुई है जनरल रेट्स, 2 में लिखी हुई है प्रेफरेंशियल रेट। प्रेफरेंशियल मतलब कुछ मोस्ट फेवर्ड नेशंस होते हैं। सर ये मोस्ट फेवर्ड नेशंस क्या होते हैं, अपने क्या है, भारत सरकार के जो अपने प्रधानमंत्री है, कौन है सर इस वक्त प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी साहब। तो मोदी साहब क्या चाहते हैं, आजकल कहते हैं ना मोदी साहब इंडिया में तो कम रहते हैं और बाहर ज़्यादा घूमते हैं, मतलब देश की जनता के पैसे पे टूर कर रहे हैं, तुम तो ऐसे देखते हो, और मैं इसको ऐसे कैसे देखता हूँ कि बाहर से रिश्ते मजबूत करे जा रहे हैं बाहर के देशों से। तो बाहर के देशों से जब रिश्ते मजबूत करे जाते हैं तो एक एग्रीमेंट साइड होता है कि अगर हमारा तुम्हारा देश, जैसे अमेरिका से अगर अपन ने हाथ मिलाया और मोस्ट फेवर्ड नेशन अगर अमेरिका को घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया इंडिया में, तो क्या है अमेरिका से हाथ मिलाया और बोला गया कि अमेरिका से कोई भी चीज़ इंडिया में इंपोर्ट करी जाएगी तो इंडिया के इंपोर्टर पे रेट ऑफ ड्यूटी प्रेफरेंशियल लगाई जाएगी, मतलब कंपैरेटिवली और देशों से। अगर सेम जैसे मान लो अगर मैं लैपटॉप इंपोर्ट करता तो अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका अब मोस्ट फेवर्ड नेशन है, वहाँ से हाथ मिला रखा है अपन ने, मोस्ट फेवर्ड नेशन है, तो अगर अमेरिका से मैं कोई लैपटॉप इंपोर्ट करूँगा तो उस पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी होगी, जो रेट ऑफ ड्यूटी होगी वो कम लगाई जाएगी, परसेंटेज कम होगी, और अगर चाइना से कर लूँगा तो रेट ज़्यादा होगी, ठीक। तो शेड्यूल 2 में क्या लिख रखी है आपकी, रेट्स ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी लिख रखी है, सॉरी, और शेड्यूल 1 में प्रेफरेंशियल रेट्स में क्या लिख रखा है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन से
ध्यान से, मोस्ट फेवर्ड नेशन से अगर कोई माल आता है तो उस पर रेट ऑफ ड्यूटी कम लग के चलती है। समझ में आ गया सर? हाँ सर, समझ में आ गया। और अगर वो प्रेफरेंशियल रेट में नहीं आया तो वो किस में आएगा? आपकी स्टैंडर्ड रेट में आएगा। स्टैंडर्ड रेट में बेसिक कस्टम ड्यूटी की स्टैंडर्ड रेट क्या है सर? स्टैंडर्ड रेट 10% है, ठीक। रेट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी 10% है और रेट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी शेड्यूल 2 में लिख रखी है। शेड्यूल 2 में इंपोर्ट ड्यूटी, शेड्यूल 2 में एक्सपोर्ट ड्यूटी, शेड्यूल 1 के दो पार्ट, स्टैंडर्ड रेट एंड प्रेफरेंशियल रेट। प्रेफरेंशियल रेट में क्या होता है? मोस्ट फेवर्ड नेशन से जिनसे हाथ मिला रखा है उनमें एरिजिनली अपन एक्चुअली अपन ड्यूटी कम लेके चलते हैं। सर मोस्ट फेवर्ड नेशन पता कैसे चलेगा सर? जैसे कि अब बोर्ड यूज करते हैं फटाफट से, जैसे कि मान लो ये इंडिया है, चाइना, अगर ये इंडिया है आपका, ये क्या हो रहा है? अच्छा अगर ये आपका इंडिया है, इंडिया से आपने, इंडिया में आपने इंपोर्ट किया है कुछ, तो इंडिया का इंपोर्टर क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ ड्यूटी है ना सिर्फ 2% लगाओ, क्योंकि मैंने मोस्ट फेवर्ड नेशन से माल मंगाया है, ठीक है। तो भारत सरकार बोलती है लाओ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, लाओ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लाओ, ठीक। सीओ बोलते हैं उसको, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। क्या सर ये रहा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, दिखाया आपको? देखो ये रहा, एक सेकेंड थोड़ी सी गलती हो गई। देखो ये रहा, हाउ टू क्लेम प्रेफरेंशियल रेट, इंपोर्टर हैज टू सबमिट अ प्रूफ ऑफ एज अ कंट्री ऑफ ओरिजिन। मतलब आपके इंडिया के इंपोर्टर को क्या करना पड़ेगा? एक प्रूफ देना पड़ेगा। किस नाम से प्रूफ होगा? प्रूफ ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन। वो कौन इशू करेगा? यूएसए का एक्सपोर्टर, या आपकी जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स होगी ना, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ये इशू करेगी और ये इसको दे देगी, किसको? इंपोर्टर को। जब इंपोर्टर कस्टम ऑफिसर को दिखाएगा, देखो अपने किससे आया, ये अमेरिका से आया है। यहाँ पे देखो एक बार लाइन पढ़ते हैं, इंपोर्टर हैज टू सबमिट, मतलब इंडिया के इंपोर्टर को सबमिट करना पड़ेगा क्या? प्रूफ ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन की ये अमेरिका से ही आया है। द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इज इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री। मतलब कौन इशू करेगा? यूएसए की डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ठीक है। दैट इज सर्टिफिकेट इज प्रोवाइडेड बाय द एक्सपोर्टर। यूएसए का एक्सपोर्टर किसको देगा? अपने इंडिया के इंपोर्टर को, टू इंपोर्टर, एंड इंपोर्टर हैज इंपोर्टर टू हिज कस्टम ऑफिसर। इंपोर्टर किसको दे देगा? अपने कस्टम ऑफिसर को दे देगा और बोलेगा साहब 10% की जगह 2% रेट मंगाओ, क्योंकि देखो मैंने आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी दे दिया है, कंट्री ऑफ ओरिजिन भी दे दिया है, अब इसकी जगह 10% की जगह मोस्ट फेवर्ड नेशन से आया है इसलिए 2% रेट लगा के चलो, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अब क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या है आपका कस्टम लॉ का? ऑब्जेक्टिव कस्टम लॉ का ये है बच्चों कि, अरे सुनो धीरे बात करो, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ कस्टम लॉ क्या है? देखो, इकोनॉमी मैनेजमेंट प्रोटेक्ट कस्टम ड्यूटी, मतलब एक तो इकोनॉमी को मैनेजमेंट करो और प्रोटेक्ट करो कस्टम डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। सर क्या मतलब? अगर अपन इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री अपनी प्रोटेक्ट हो जाएगी, मतलब अपनी जो छोटी इकाइयां है या फिर जो भारत में जो इंडस्ट्री चलती है, फैक्ट्री चलती है, वो कैसे प्रोटेक्ट हो जाएगी? सर एक टैक्स लगाने से इंडिया की फैक्ट्रीज को कैसे बेनिफिट मिलेगा? अरे ऐसे बेनिफिट मिलेगा, मान लो कि कोई बाहर टेक्नोलॉजी, जैसे कि तुम बच्चे जानते हो बाहर टेक्नोलॉजी क्या, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है और बहुत ही सुगम हो गई है, ठीक। तो वहाँ कोई भी प्रोडक्शन होता है ना तो लो कॉस्ट पे हो जाता है, और इंडिया में इंपोर्ट अगर वो करते हैं तो अपन को एक्चुअली अगर अपन बाहर से माल मंगाए तो सस्ता पड़ता है, और इंडिया की फैक्ट्री से मंगाए तो क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हो पाई तो महंगा पड़ता है, ठीक। तो अगर सस्ता, अगर तुम मार्केट में जाओगे तो सस्ता माल खरीदना चाहोगे या महंगा माल खरीदना चाहोगे? सब बिल्कुल सस्ता माल खरीदना चाहेंगे, इसलिए तो चाइना का माल इतना ज़्यादा खरीदा जा रहा है इंडिया में। चाइना से इतनी ज़्यादा नफरत करने के बाद भी अपन चाइना का माल क्यों खरीद रहे हैं सर? क्योंकि वो कंपेरेटिवली इंडिया के माल से सस्ता पड़ता है, ठीक। अगर अपन ने चाइना से आने वाले माल पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा के उसको महंगा कर दिया, तो अगर तुम्हारे को मार्केट में दोनों चीज़ बराबर में मिल रही है, जो चाइना से आया वो भी, जो इंडिया से बना है वो भी, तो तुम कौन सा खरीदना चाहोगे? फिर तो तुम्हारे अंदर पेट्रियोटिक फीलिंग जग जाएगी भैया, फिर तो तुम्हारे अंदर का देशभक्त जग जाएगा। जब पैसा बराबर लगेगा तो कहाँ तुम्हारा देशभक्त कहाँ मर जाता है? जब पैसा तुम्हारी जेब से ज़्यादा जा रहा होता है, ठीक। तो अगर पैसा बराबर जा रहा होगा तो तुम्हारे जो पेट्रियोटिक फीलिंग्स वो जग जाएगी और तुम क्या खरीदोगे? इंडिया से फैक्ट्री से बना हुआ माल खरीदोगे, और इंडिया से फैक्ट्रीज का माल बना हुआ खरीदोगे तो इंडिया की फैक्ट्री का माल बिकेगा, तो अल्टीमेटली इंडिया की फैक्ट्री चलेगी ना, ठीक। और अगर खरीदोगे नहीं तो बंद पड़ जाएगी, इसलिए कस्टम ड्यूटी लगाने से बाहर का देश का गुड्स जो इंडिया में आ रहा था वो कंपेरेटिवली इंडिया की रेट्स में आ जाता है, महंगा हो जाता है, इसलिए भारत की जो भी इंडस्ट्री है डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाती है। और इकोनॉमी मैनेजमेंट कैसे? अरे भैया इकोनॉमी मैनेजमेंट ऐसे, अगर बाहर से कोई माल मंगाया उसमें तुम भारत सरकार ने तुमसे टैक्स लिया तो सरकार की क्या जेब क्या हो गई? गर्म। और अगर सरकार की जेब गर्म हो गई तो वो गर्म जेब सरकार खुद पे थोड़ा खर्च करती है, अल्टीमेटली तुम पे खर्च करती है। तो इकोनॉमी मैनेजमेंट में बिल्कुल काम आके चलता है आपका क्या
इम्पोर्ट ड्यूटी पर टैक्स लगाया हुआ है। इसलिए कस्टम लॉ का ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या बताया है कि इकोनॉमी को मैनेज करना और कस्टम ड्यूटी को, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना, कलेक्ट रेवेन्यू ऑन कस्टम ड्यूटी, उसी से तो क्या होगा, इकोनॉमी मैनेजमेंट होगा, रेगुलेटिंग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में कुछ तो ऐसे थोड़े ना धड़ल्ले से इम्पोर्ट हो रहा है, धड़ल्ले से एक्सपोर्ट हो रहा है, कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, इसलिए रेगुलेट किया करा जाएगा इम्पोर्ट को, एक्सपोर्ट को, एक्सेट्रा। ये बेसिक बात है, इसमें कोई ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये बात है जो अपनी प्रोटेक्ट, डोमेस्टिक इंडस्ट्री कैसे प्रोटेक्ट होगी। इन्होंने अलग अलग तरह की ड्यूटी लगा दी, CVD 31 बेसिक कस्टम ड्यूटी, CVD 31 35 है ना, सब्साइड आर्टिकल, एंटीडंपिंग ड्यूटी, IGST। ये क्या पढ़ेंगे अपन, टाइप्स ऑफ ड्यूटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी इस पर इतना मत ध्यान दो। टाइप्स ऑफ ड्यूटी वाले चैप्टर में यही सारी ड्यूटी अपन पढ़ के चलने वाले हैं। टाइप्स ऑफ ड्यूटी में जब पढ़ेंगे तब अपन CVD 31 35 से सब्साइड आर्टिकल, एंटीडंपिंग ड्यूटी, IGST ये सब वहाँ पे पढ़ के चलेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सिर्फ नाम ध्यान देते हैं कि भैया इतनी सारी तरह की ड्यूटी लगा दी जाती है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, हाँ सर, ये कुछ भी जरूरी नहीं है। मोड ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सी, एयर या फिर लैंड के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जिसमें 75% से ज़्यादा माल सी के थ्रू ही मंगाया जाता है, जो कि मैंने अभी ऊपर भी आपको बताया, क्योंकि ये चीपेस्ट मोड ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, चीपेस्ट मोड पड़ता है भैया, पानी से माल मंगाना और भेजना सबसे सस्ता पड़ता है। ठीक है सर, ये थोड़ी क्या बुक उल्टी है, मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा। अब सर यहाँ पे क्या है, इंडिया की डेफिनेशन, इंडिया की डेफिनेशन क्या है सर, आओ इंडिया की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इंडिया क्या है सर, कस्टम्स में पढ़ाया था कि वो GST में पढ़ाया था कि, हाँ पढ़ाया तो था, फिर भी जो नालायक बच्चे भूल गए हैं, GST की डेफिनेशन, इंडिया की डेफिनेशन, वो आप कस्टम में ध्यान दे लें कि मैंने GST की, इंडिया की डेफिनेशन क्या पढ़ाई थी। एक सेकंड, शायद कॉल इम्पोर्टेंट है। हेलो, कहाँ पे है सर? हाँ बस ऊपर ऊपर वाले घर में दे दो और मैं कॉल पिक नहीं कर पाऊँगा अब, है ना? बिल्कुल ठीक है, सॉरी बच्चों डिस्टर्बेंस के लिए। अब मैं क्या बोल रहा था आपको, ये इंडिया है, इंडिया सिर्फ कोस्टल लाइन तक, जहाँ तक तुम तुम्हारे ज़मीन पे, जिस ज़मीन पे रहते हो, मात्र अपन राजस्थान में रहते हैं, कुछ लोग दिल्ली में रहते हैं, कुछ लोग गोवा में रहते हैं, कुछ लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, है ना, तो जिस जो ज़मीन है वो सिर्फ वही इंडिया है सर। ये पानी, ये इंडिया की कोस्टल लाइन से लगा हुआ पानी भी इंडिया ही है सर, ये पानी भी इंडिया ही है। कहाँ तक पानी इंडिया ही है सर? 12 न्यूटिकल माइल्स तक, 12 न्यूटिकल माइल्स तक, न्यूटिकल माइल्स, एक न्यूटिकल माइल में कितने होते हैं, 1.8 किलोमीटर होते हैं, मतलब 21-22 किलोमीटर तक ये इंडिया ही माना जाएगा। इसको क्या बोलते हैं सर? टेरिटरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। ये नॉर्मल लोगों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए और सबके लिए पानी इंडिया कहाँ तक है सर? ये 12 न्यूटिकल माइल्स तक, कोस्टल लाइन से 12 न्यूटिकल माइल्स तक आपका इंडिया ही माना गया है। किसके लिए सर? हर आम इंडियन के लिए ये 12 न्यूटिकल माइल्स तक इंडिया माना गया है। मगर अगर आप पानी में यहाँ पे तैर रहे होंगे, आप गोवा गए, गोवा में आपने क्रूज किया और क्रूज आपका यहाँ घूम रहा है, तो आप इंडिया में ही हो क्या सर? पानी में हो तो भी इंडिया में ही हो क्या? हाँ सर, इंडिया में ही है, पूरे के पूरा जहाज और पूरे के जहाज में जितने भी पैसेंजर बैठे हैं पूरे के पूरे इंडिया में ही हैं। सर इससे आगे भी इंडिया है क्या? नहीं, इंडिया यहीं तक ही है, पर कुछ स्पेशल लोग हैं जिसके लिए इंडिया और थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया। आपके लिए हमारे लिए नहीं, आपके लिए और हमारे लिए इंडिया कहाँ तक है? 12 न्यूटिकल माइल्स तक इंडिया है, पर कुछ स्पेशल लोग हैं जिसके लिए इंडिया एक्सटेंड कर दिया गया है। कहाँ तक? 188 न्यूटिकल माइल्स तक, मतलब सर टोटल मिला के कितना? 200 टोटल मिला के 200, और अगर टेरिटरियल वाटर से ले तो 188। सर कौन से लोग हैं ये जिनके लिए 188 न्यूटिकल माइल्स तक कर दिया गया? सर ऑयल रिग्स, इस इंडिया को बोला जाता है EEZ, ठीक है, एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक जोन, ठीक, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोला जाता है इसको भी। ये किसके लिए है सर? ऑयल रिग्स वालों के लिए। सर ऑयल रिग्स वालों कैसे? अरे यार, तुमने कई बार DD न्यूज पे या फिर ONGC का नाम सुना हुआ होगा, यहाँ पे सी बेड है, एक्चुअली है तो पूरा समुद्र ना। अब समुद्र में जितना डीप आगे जाकर जाएंगे उतना क्या होएगा, आपको नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे, नेचुरल रिसोर्स में आपको पेट्रोल मिलेगा और भी अलग अलग तरह की गैसेस मिलेगी, तो इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ प्लांट लगा दिया जाता है समुद्र के ऊपर। प्लांट दिखता ऊपर है पर उसकी पाइपलाइन सब नीचे जा रही होती है, और समुद्र के एकदम नीचे बेड में से वो क्या कर रहे होते हैं, आपके पेट्रोल वगैरह एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो इन लोगों के लिए, स्पेशल लोग हैं ना ऑयल रिग्स वाले, ठीक, इन लोगों के लिए इंडिया कहाँ तक बोला गया है? 188 न्यूटिकल माइल्स तक बोला गया है, ठीक। मतलब अगर आपने ये बॉर्डर क्रॉस कर दिया, आपने और मैंने, तो अपन इंडिया में रहे क्या? सर अपन इंडिया में नहीं रहे, पर ये लोग ऑयल रिग्स वाले अगर 200 न्यूटिकल माइल्स तक, कहाँ तक है? इंडिया में ही रहेंगे, इनका इंडिया 200 न्यूटिकल माइल्स तक। और कस्टम बॉर्डर कहाँ जाता है? इंडियन कस्टम बॉर्डर कहाँ जाएगा सर? इंडियन कस्टम बॉर्डर पूरे 200 न्यूटिकल माइल्स तक, पूरे 200 न्यूटिकल माइल्स तक इंडियन कस्टम बॉर्डर कहाँ जाएगा? एक एक चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। ये मैं समझना कि भैया कोई भी चीज इंपॉर्टेंट, रिवीजन क्लास में तो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें बोल रहा हूँ, ठीक। इंडियन कस्टम बॉर्डर उसको कहा जाएगा पूरे 200 न्यूटिकल माइल्स तक इंडियन कस्टम बॉर्डर कहा जाएगा, 12 न्यूटिकल माइल्स तक इंडियन टेरिटरियल वाटर ऑफ इंडिया कहा जाएगा, और 188 न्यूटिकल माइल्स EEZ, और कस्टम बॉर्डर तो पूरे के पूरे को कस्टम बॉर्डर कहा जाएगा।
ठीक है सर, ये भी ईजेड हुआ क्या सर? नहीं नहीं नहीं, ये ईजेड नहीं हुआ, ईजेड तो बियॉन्ड 12 न्यूटिकल माइल्स और टिल 180 न्यूटिकल माइल्स तक ईजेड हुआ, ठीक है। हाँ सर ठीक है, आपने इंडिया की डेफिनेशन अच्छे से समझा दी, ठीक है। हाँ बच्चों समझा दी, इससे ज़्यादा इंडिया कुछ है भी नहीं। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन टेरिटोरियल वाटर टू क्या, क्यों क्यों पता करना है कि टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, इंडिया कहाँ तक है टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया तक, और सर क्यों पता क्यों लगाया आपने कि टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया इंडिया है? क्योंकि जब अपन एक्चुअल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट पढ़ेंगे ना, तो अपन ये देखेंगे कि इंपोर्ट कब कहा जाता है, जब वो मुंबई कस्टम पोर्ट पे आ गया, जब वो या फिर पानी में टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में आ गया, जब सर टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में आ गया ना, जब भी अपने माल को क्या कह दिया जाता है कि इंपोर्ट एक्चुअल में हो चुका है, ठीक है। तो सर इंपोर्ट तब हो चुका है तो इंपोर्ट ड्यूटी भी जब भी लग जाती है कि नहीं यार इंपोर्ट ड्यूटी तो बहुत लेट तक लगती है, जब तक आपका माल कस्टम ऑफिसर के गिरफ्त में चंगुल में पड़ा है जब तक आप पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगती, जब आप उससे छुड़वाओगे जब आप पे कस्टम ड्यूटी लगती है, ठीक है। तो इंपोर्ट भला टेरिटरी वाटर ऑफ इंडिया में आते ही हो गया हो, पर इंपोर्टेड गुड्स रहेगा वो अभी तक ड्यूटीबल गुड्स रहेगा, जब तक उस पर आप कस्टम ड्यूटी पे नहीं कर देते जब तक वो ड्यूटी फ्री गुड्स नहीं हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर ठीक है, तो और एक्सपोर्ट भी कब कहा जाएगा, जब मतलब वो मुंबई कस्टम पोर्ट से निकल गया, जब उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा या टेरिटरी वाटर ऑफ इंडिया लीव कर देगा, जब टेरिटरी वाटर ऑफ इंडिया लीव कर देगा जब भी उसको एक्सपोर्टेड गुड्स कहा जाएगा। एक्सपोर्ट गुड्स तो उसको जहाँ पे भी उसने शिपिंग डॉक्यूमेंट फाइल किया मुंबई कस्टम पोर्ट पे, वहाँ पे उसको एक्सपोर्ट गुड्स तो कह दिया जाएगा, पर वो एक्सपोर्टेड गुड्स कब होगा, जब वो टेरिटरी वाटर ऑफ इंडिया को क्रॉस कर देगा। क्या बोला मैंने, एक्सपोर्ट गुड जब वो शिपिंग डॉक्यूमेंट फाइल कर देगा मुंबई कस्टम पोर्ट पे, और एक्सपोर्टेड गुड्स कब होगा, जब वो इंडिया एक्चुअल में छोड़ देगा, और इंडिया है क्या टेरिटरी वाटर ऑफ इंडिया, जब तक छोड़ देगा वो जब एक्सपोर्टेड गुड्स हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इनकी सिग्निफिकेंस है, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन कस्टम वाटर। ऑयल रिग्स वालों के लिए इंडियन कस्टम वाटर देखना पड़ेगा कि पूरा 200 न्यूटिकल माइल्स तक कस्टम इंडियन कस्टम वाटर है, मतलब इंडियन कस्टम वाटर में क्या होगा यार कि इंडियन जो नेवी है, इंडियन नेवी की पहुंच कहां तक, सर पूरे समुद्र में इंडियन नेवी की पहुंच चलती है कि नहीं सर? 200 न्यूटिकल माइल्स तक इंडियन नेवी की पहुंच चलती है। अभी एक मूवी आई थी यार आपकी बहुत सी फेमस हुई थी, रॉकी नाम था क्या, KGF 2, हाँ KGF 2 में वो देखो एकदम लास्ट का सीन आता है जब वो बोलता है सर वो इंडियन कस्टम वाटर छोड़ के जाने ही निकलने ही वाला है, फिर हमारा उस पर कंट्रोल नहीं रहेगा, रॉकी भाई पे हमारा फिर कंट्रोल नहीं रहेगा, हम उस पर अटैक कर देंगे। मतलब इंडियन नेवी की पहुंच कहा था कि 200 न्यूटिकल माइल्स तक है, अगर एक बार रॉकी भाई उससे निकल गए फिर आपकी इंडियन नेवी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ सर समझ में आ रही है, मतलब एक बार सोना उसके बाहर निकल जाता तो इंडियन नेवी को अधिकार नहीं है कि उस पर अटैक कर दे, मतलब फॉरन एरिया में जो भी होगा वहाँ पे इंडियन नेवी की बस की बात नहीं है कि वहाँ पे मतलब अधिकार ही नहीं है, अधिकार कहाँ तक है 200 न्यूटिकल माइल्स तक। इसलिए कहा गया इंडियन कस्टम वाटर कि मतलब इंडियन कस्टम जो एरिया है कस्टम डिपार्टमेंट का कि चला पहुंच कहाँ तक है, इंडियन कस्टम वाटर तक है, और इंडियन कस्टम वाटर कहाँ तक है, कोस्टल लाइन से 200 न्यूटिकल माइल्स तक इंडियन कस्टम वाटर है। एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक जोन 12 न्यूटिकल माइल के बाद, पर 188 न्यूटिकल माइल के बाद क्या तक क्या है आपका एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक जोन है। आपको मैंने बिल्कुल समझा दिया है, अब आगे चलते हैं और Chart 3 मीनिंग ऑफ सम टेक्निकल टर्म्स। सर क्या है जीएसटी सम पढ़ने से पहले आपको किसी भी टेक्निकल टर्म से रूबरू नहीं होना पड़ा था, आपको चैप्टर पढ़ते पढ़ते क्या है आपको टर्मोलॉजी समझ में आ गई थी, पर कस्टम्स में कुछ क्या है कुछ टर्मोलॉजीज ऐसी है जो आपको परेशान करके चल सकती है, इसलिए क्या है शुरुआत में अच्छा रहेगा इन टर्मोलॉजीज को क्लियर कर ले। तो सर क्या क्या है टर्मोलॉजीज है, जैसे कि सर पहली टर्मोलॉजीज है आपकी बिल ऑफ लेडिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, कुछ टर्मोलॉजीज है पहली आपकी बता रखी है इसमें ए नंबर पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। सर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड क्या होता है, अरे जो भी व्यक्ति चाहे इंपोर्ट में चाहे एक्सपोर्ट में एंगेज है उसको लगेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, लगेगा मतलब चाहिए होगा यार, लगेगा मतलब उसके चौक में जाएगा, लगेगा मतलब उसको चाहिए होगा, अगर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए, इंपोर्ट कर रहा हूँ तो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए, दोनों ही कर रहा हूँ तो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा भारत ही भारत में माल बेच रहा हूँ तो ये कोड बिल्कुल भी आपको नहीं चाहिए। मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड कब चाहिए, जब भी आप या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है। सर ठीक है समझ में आता है, सर मिलता कहाँ से, सर DGFT की साइट है, जाओ खुद ही जाओ, अरे किसी सीए के सीएमए के पास मत पहुंच जाना, अब इतना पढ़े लिखे तो तुम होगा कि अगर तुम्हारे रिश्तेदार में या तुमको भी कल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए तो DGFT की साइट पे जाओ और वहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स आपसे मांगता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड वहाँ पे सेलेक्ट करो और जो भी रिक्वायरमेंट्स आपसे इन्फॉर्मेशन जो भी मांगता है फिल करो और 500 रुपये की फीस पे करो और आपका 2 दिन या 3 दिन के अंदर क्या जनरेट हो जाएगा, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जनरेट होकर आपके पास आ जाएगा। ठीक है सर, कुछ जरूरी बातें क्या इसमें पढ़ने के लिए, नहीं सर बस इतना जान लेना जरूरी है कि ये रेफरेंस नंबर होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए चाहिए होता है। ठीक, एक रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप होता है, जैसे जीएसटी में जीएसटी एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में एंगेज है उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप रजिस्ट्रेशन की नंबर की जैसी भूमिका निभा के चलता है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म क्या है आपका,
ANF की मतलब जब अप्लाई करोगे आप किसके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए तो आपको फॉर्म कौन सा मतलब पढ़ना होगा ANF 2A। सर इंपॉर्टेंट यह क्या याद करना, बिल्कुल भी ध्यान नहीं मत रखो, बिल्कुल भूल जाओ, बस इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है ये याद रख लो, जो कि मैंने कहानी सुनाई चुकी है। ANF की फुल फॉर्म बनी है आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हिंदी में आयात निर्यात बोलते हैं, तो आयात निर्यात फॉर्म, ठीक है ना। अवेलेबल ऑन कहाँ, ये याद रख लो भैया, ये याद रख लो, ठीक। कल को तुम में से किसी को भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, भाई बहुत सारे क्लाइंट को चाहिए होता है, किसी को भी कोई क्लाइंट आया, क्लाइंट को थोड़ा पता है कहाँ जाके इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड इशू करवाना है, तो तुमको पता होना चाहिए www.ggfc.government.in की साइट पे जाना है, वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई करना है, ठीक। इफ इंपोर्ट एज बैगेज, बैगेज क्या होता है, साथ में माल ले जाना ले जाना, अब तुम कहीं से दुबई से आए और दुबई से कुछ ले आए साथ में, तो वो क्या है बैगेज, जो साथ में लाए वो क्या है बैगेज, और पोस्ट देन नो नीड टू आईस। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है कस्टम के चैप्टर में, पहली इंपॉर्टेंट बात यही आई है, इसको मार्क करके रख लो, ठीक। ऐसे इस स्टार पे क्या बता लो, फिंगर बना लो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि अगर बैगेज के केस में और पोस्ट के केस में आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नहीं चाहिए होता, अगर मैं माल इंडिया से बाहर भेज रहा हूँ, दोस्त की बात करता हूँ, मेरा एक दोस्त है जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करता है, नाम भी बता सकते हो क्या, बिल्कुल मेरा बहुत बचपन का दोस्त था, क्या नाम क्यों नहीं बता सकते, आकाश अग्रवाल उसका नाम है, ठीक। वो इंपोर्ट कोड के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में एंगेज है आपका, ठीक, मतलब वो क्या कहता है जेम्स एंड ज्वेलरी स्टोन्स वगैरह आपका एक्सपोर्ट करता है, तो एक्सपोर्ट क्या, अब ज्वेलरी क्या करेगा, अगर मान लो उसके पास यूरोप से किसी स्टोन का रूबी का ऑर्डर आ गया या फिर ब्लू सफायर का नीलम जिसको बोलते हैं उसका ऑर्डर आ गया, तो क्या करेगा मेरा दोस्त आकाश, क्या करेगा, ब्लू सफायर लेके जाएगा मुंबई कस्टम पोर्ट पे और बोलेगा शिप में लोड करा दो इसको, ठीक, और बोल देगा माल लोड करा दिया, ऐसे तो नहीं करेगा ना वो, ठीक। तो वो क्या करेगा, एक पोस्ट ऑफिस को ब्लू डार्ट या फिर किसी को भी एक हायर करेगा, उसको बोलेगा भैया ये ब्लू सफायर यूरोप में इस एड्रेस से पहुंचाना है, वो पोस्ट वाले बता देंगे इतना किराया लगेगा, वो किराया दे देगा, वो हो सकता है उसने अपने अपने कस्टमर से वो किराया चार्ज कर लिया हो, है ना, तो वो किराया लगेगा वो दे देगा, तो इस पोस्ट जब पोस्ट से, हालांकि मेरे दोस्त आकाश को ये पता नहीं था, ठीक, क्योंकि जब भी आकाश ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू किया था ना, तब उसने क्या किया, मेरे को ही फोन किया था और मेरे को बोला था सर कार्तिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड दिला दे, ठीक, क्योंकि हो सकता है कभी कभी माल उसको ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाए, फिर भी हमने उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड दिला दिया, पर क्योंकि अभी तक तो वो क्या कर रहा है पोस्ट से ही माल भेज रहा है, और जब तक वो पोस्ट से माल भेज रहा है जब तक उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए क्या बच्चों, नहीं चाहिए, ठीक है। और बैगेज के केस में मतलब वो साथ ही ब्लू सफायर बोले कस्टमर को बोले अरे मैं खुद ही आता हूँ ना देने, ब्लू सफायर डाले जेब में और खुद ही एरोप्लेन की टिकट करा के अपने कस्टमर के वहाँ पहुँच जाओ, कस्टमर बोले यार आकाश तो बहुत ही परिश्रम है यार, है मतलब तेरे से एक ब्लू सफर मंगाया था तो खुद आ गया, बोले हाँ बस इंपॉर्टेंट इतना था, प्रीशियस इतना था और मेरे को बात भी आपसे करनी थी इसलिए मैं आ गया, ठीक। तो इस केस में भी उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए होगा क्या, बिल्कुल नहीं चाहिए होगा, क्योंकि वो साथ में एज अ बैगेज लेके गया है यार, खुद गया है ना खुद, ठीक, खुद लेके गया, तो बैगेज मतलब क्या होता है जब साथ में कैरी करते हैं, जब साथ में कैरी करते हैं जब भी नहीं चाहिए, और पोस्ट के द्वारा भेज रहे हैं तब भी नहीं चाहिए, चाहिएगा कब, जब उसको शिप में या प्लेन में या फिर कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट में लोड करा देगा, लोड कराते वक्त उसको क्या चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए, समझ में आ गया, क्लियर है। ये एक ही पॉइंट, एक ही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका आपको क्लाइंट आ जाए तो आप क्लाइंट से पूछ सकते हो भैया भेजोगे कैसे, अगर पोस्ट से भेजोगे तो बोलते जाते को चाहिए ही नहीं, पर मना मत कर देना, आपको तो फीस मिलेगी ना, आपको क्या मतलब है, ठीक, वो आपकी इच्छा है कि आप किस हिसाब से प्रैक्टिस करना चाहते हो, मैंने तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, वैसे तो एथिकल होनी चाहिए प्रैक्टिस, ठीक है। हाँ सर ठीक है, अब बताओ आपने पहली टर्म समझा दी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, अब आप सर टर्मोलॉजी सुन लो, एथिक्स हम अपना देख लेंगे, ठीक है, टर्मोलॉजी सुनो, दूसरी टर्मोलॉजी है FOB वैल्यू, तीसरी टर्मोलॉजी पढ़ेंगे CIF वैल्यू। FOB वैल्यू और CIF वैल्यू का क्या मतलब होता है मेरे बच्चों, FOB का मतलब फुल फॉर्म होता है आपका फ्रेट ऑन बोर्ड, CIF का वैल्यू होती है कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट, एक सेकेंड, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट मतलब अपन का बोर्ड यूज करते हैं, फिर आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, मतलब कस्टम्स में जैसे कि आप बैठे हो इंडिया में, कहाँ बैठे हो सर, गुजरात में बैठे हैं, गुजरात में आपने USA से कुछ माल मंगाया, ठीक, अभी तो क्या है आपने बस फोन ही किया है, फोन तो इस साइड होता है ना रिसीवर का, फोन ही किया है अभी तो होगा, ठीक है, फोन आपके कान पे लग रखा है और अभी आप इससे फ़ोन से बात ही कर रहे हो, है ना, बात क्या कर रहे हो फ़ोन से कि सर एक बात बताओ, अपने एक्सपोर्टर को बोल रहे हो, आप तो इम्पोर्टर हो ना, आप हो अभी इम्पोर्टर और आप यहाँ बैठा आपका एक्सपोर्टर, ठीक है, ये बैठा आपका एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर के भी हाथ में फ़ोन लगा रखा उसने भी काम, ठीक है, एक्सपोर्टर के हाथ में भी फ़ोन लगा रखा उसने काम पे, आप दोनों फ़ोन पे बात कर रहे हो और आपने बोला कि भैया गुजरात का आदमी ने क्या मंगाया, सपोज करो एप्पल का पूरा एक ट्रक भर के एप्पल मंगाया, बोले मैं इंडिया में फ्रूट डीलर हूँ, मैं इंडिया में एक बढ़िया क्वालिटी का फ्रूट भेजूँगा, ठीक है ना, तो आप एक काम करो आपके एप्पल का एक ट्रक भेज दो, ठीक है, उन्होंने बोल दिया ठीक है पूरा शिप भर के आपके पास एप्पल आ जाएगा, तो उन्होंने बोला कि भैया एप्पल का भाव क्या है, तो उन्होंने बोला भैया 100 रुपये KG आपका एप्पल का भाव लगेगा,
और आपका 10,000 kg माल आ जाएगा एक ट्रक में या एक शिप में, तो इस हिसाब से आप रुपये दे देना। बोले रुपये तो एप्पल का भाव हुआ है ना, यहाँ से रस्ते का चार्ज, और एप्पल अगर जहाज को रस्ते में गलती से डूब गया या फिर माल खराब हो गया, ठीक है, तो इंश्योरेंस, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा प्लस इंश्योरेंस का खर्चा ये कौन उठाएगा? ये बात तय होगी अभी फ़ोन पे ही होगी। अगर ये बात ऐसे तय होती है कि सर आपका इंपोर्टर बोलता है, आपका इंपोर्टर बोलता है कि सर मैं तो सिर्फ क्या है माल के पैसे दूंगा, इसके पैसे है ना, ये क्या हुआ 1,10,000 रुपये, मैं तो सिर्फ 10 लाख रुपये दूंगा, मैं तो इतना जानता हूँ और बाकी 1 रुपये भी मेरे से सोच मत लेना, तो मतलब क्या है ये फ्रेट ऑन वो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट वैल्यू पे ट्रांजेक्शन हुआ है, मतलब आपके इंपोर्टर के घर पे सब चीज़ें लग के माल आएगा ना। हाँ सर, सब चीज़ें लग के माल आएगा, मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा अलग से दे रहा है क्या? नहीं दे रहा सर। इंश्योरेंस का खर्चा अलग से दे रहा है क्या? सर नहीं दे रहा। तो जब डीलिंग हुई है तो किस वाले वैल्यू पे हुई है? CIF वैल्यू पे हुई है। पर मान लो एक्सपोर्टर ने बोल दिया भैया ये तो क्या है, सिर्फ माल माल का चार्ज है, मैं तो भैया माल को शिप में यहाँ तक लोड करा के छोड़ दूंगा, रस्ते का खर्चा और इंश्योरेंस का खर्चा मैं नहीं जानता। तो आपने पूछा कितना? बोले 50,000 रस्ते का खर्चा और 50,000 इंश्योरेंस का खर्चा। तो मतलब इस केस में आपको क्या देने पड़ेंगे? माल के 10 लाख और बाकी के 11, टोटल मिला के 11 लाख देने पड़ेंगे। ठीक, तो अब ये 11 लाख तो है CIF वैल्यू, 10 लाख क्या है आपकी FOB वैल्यू। अब आप ये देख लो कि भैया माल ट्रांजेक्शन FOB वैल्यू पे हुआ है या CIF वैल्यू पे हुआ है। मतलब अगर किसी ट्रांजेक्शन में रस्ते का खर्चा और इंश्योरेंस जुड़ा हुआ हो तो उसको बोलेंगे क्या? CIF वैल्यू। और अगर उसमें जुड़ा हुआ नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे? FOB वैल्यू। FOB वैल्यू से अपन को CIF वैल्यू से पहुंचना हो तो क्या करेंगे? FOB वैल्यू प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्लस कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, इसको क्या हो जाएगा? वो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट। ठीक है, हाँ सर ठीक है, ये फॉर्मूला है क्या? अरे यार इसको अगर फॉर्मूला बोलोगे तो फिर तो हो गया तुम्हारा, फिर तो SFM में बिल्कुल तुम थक के चूर हो जाओगे। ये तो नॉर्मल बात है यार, ये तो दिमाग में फीड हो गई, एक बार बताते हैं सर। हाँ सर, ये कोई फॉर्मूला थोड़ी ना है, ये तो मजाक है, ये तो हम वैसे समझ गए। ठीक, तो कॉस्ट FOB वैल्यू समझ गए आप, एक्सपोर्टर के प्रमाइसिस तक, एक्सपोर्टर की प्रमाइसिस से एक्सपोर्टर के पोर्ट तक लोड कराने तक का खर्चा क्या होगा? मतलब लोडिंग तो वही कराएगा सर, एक्सपोर्टर अपने जहाज तक तो लोडिंग तो वही कराएगा, उसको बोलेंगे FOB वैल्यू। फिर रस्ते में आने का और रस्ते के इंश्योरेंस का खर्चा वो जो होगा, अगर वो हम देंगे तो होगी कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट। ठीक है, एक बार पढ़ लेना इसको, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आगे चलते हैं अपन। आगे क्या बोल रहा है? व्हाट इज FOB कॉन्ट्रैक्ट बता दिया, व्हाट इज CIF कॉन्ट्रैक्ट बता दिया। चलो ये चैप्टर पेज भी खत्म हुआ, और आगे पढ़ते हैं। कहां तक पढ़ेंगे सर? कोई टारगेट नहीं है, मैं चाहता हूं आज डेफिनेशन तक हम कंप्लीट कर लें और आगे की क्लास ले लेंगे अपन कल। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाऊंगा, अगर पेज में कुछ भी लग रहा हो फालतू की चीज़ें तो मैं बिल्कुल भी पढ़ाने वाला नहीं। तीसरी आपकी टर्म है बिल्टी। सर बिल्टी, बिल्टी तो होती नहीं है कस्टम में कुछ। हाँ बिल्टी नहीं होती कस्टम में, होता है बिल ऑफ लेडिंग, पर बिल्टी की मदद से अपन बिल ऑफ लेडिंग समझ के चलेंगे। सर बिल्टी और बिल्टी बिल ऑफ लेडिंग में क्या फर्क है? अंतर ही तो नहीं है। अरे अंतर होता तो मैं बिल्टी का शब्द क्यों लाता, फिर मैं तुमको कन्फ्यूज थोड़ा ना करता। मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्टी ही क्या होती है? बिल ऑफ लेडिंग होती है। तो सर तुम मुझे समझा दो बिल्टी, हाँ मैं तुम्हें समझा दूंगा बिल ऑफ लेडिंग। मतलब सर अल्टीमेटली हम ही आपको समझा दे बिल ऑफ लेडिंग। हाँ कोशिश तो करो। अरे भाई पराग, बिल्टी क्या होती है? बिल्टी क्या होती है? अरे अगर मैं मान लो मेरे यहाँ से कि मैं कुछ डोमेस्टिक्स की बात करके चलते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को भूल जाओ, अगर मैं डोमेस्टिक सेल कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बैठा हूँ राजस्थान में, पुणे से मेरे पास किसी का ऑर्डर आ गया, मान लो मेरे पास अनाज मंडी में दुकान है, अनाज, एक सेकंड यार, हेलो है ना, मान लो मेरी क्या कह रहा हूँ मैं कि मान लो मैं क्लास में बैठा हूँ, मैं है ना रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो क्या कह रहा था मैं बच्चों कि देखो डिस्टर्ब कर दिया ना, बिल दिया। अगर मैं इंडिया में हूँ, इंडिया में माल भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ एक्सपोर्ट को, इंपोर्ट को बिल्कुल भूल जाओ। अगर मैं इंडिया में हूँ, राजस्थान में हूँ, डीलर हूँ किसका, अपने यहाँ पे अनाज मंडी में मेरी दुकान है और जो चना बाजरा ऐसा मिल जाता है मेरे पास से, क्योंकि आपको पता है साउथ साइड में क्या है, चावल वावल ज़्यादा चलता है, फिर भी इंडियन नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, तो नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट से मेरे पास ऑर्डर आया है कि सर एक ट्रक क्या करो, आप गेहूँ का भिजवा दो। मैंने बोला ठीक है भिजवा देता हूँ। तो मैंने ट्रक वाले पे पूरा लोड कर दिया गेहूँ से, और उसको पूछा जा तू है ना हैदराबाद की तरफ या पुणे की तरफ रवाना हो जा, और इस फलाना फलाना को मेरा डिलीवर कर देना।
तो भैया पहचान कैसे होगी किसको डिलीवर करना है? तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टर, आपका ट्रांसपोर्टर आदमी, ध्यान से सुनना, मैं इशू नहीं करूंगा, ट्रांसपोर्टर आदमी क्या करेगा, बिल्टी इशू करेगा, बिल्टी की तीन कॉपियां काटेगा, एक कॉपी रखेगा खुद के पास, एक कॉपी रखेगा मेरे पास, एक्चुअली वो दो कॉपी मेरे को दे देगा, ठीक, एक कॉपी कैसे भी मेरे को किसको पहुंचानी होगी, आपके मेरे कस्टमर को पहुंचानी होगी। अब वो जो कस्टमर के पास मैंने एक कॉपी पहुंचा दी, वो कस्टमर ये बिल्टी दिखा के ट्रांसपोर्टर को दिखा देगा कि देखो मैं इसका रेसिपिएंट हूं, मेरे को ये माल डिलीवर कर दो, ये ट्रक का सारा माल मेरे रेस्टोरेंट पे उतार दो। वो कैसे उतारेगा, वो बिल्टी की कॉपी देख के उतारेगा। तो बिल्टी क्या होती है, एक तरह का प्रूफ होता है कि माल भैया उसी का है। इशू कौन करता है, आपका ट्रांसपोर्टर आदमी इशू करता है। ये तो क्या हुआ, डोमेस्टिक सेल्स में इसको बोलते हैं बिल्टी। पर अगर मैंने एक्सपोर्ट से माल मंगवाया है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया है, तो एक्सपोर्टर आदमी इशू करेगा क्या बिल्टी, या बिल ऑफ लेडिंग? नहीं सर, ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर कौन है, आपके शिप से माल आ रहा है तो पर्सन इंचार्ज जो भी शिप का मालिक है वो आपका क्या इशू करेगा, बिल ऑफ लेडिंग इशू करके चलेगा, ठीक। हाँ सर, बिल ऑफ लेडिंग इशू करेगा, वो तीन कॉपी में इशू करेगा, एक कॉपी कौन रख लेगा, एक्सपोर्टर आदमी, एक कॉपी एक्सपोर्टर आदमी किसको पहुंचा देगा, अपने इंपोर्टर को, ठीक है, एक कॉपी कौन रख लेगा, आपका शिप वाला खुद रख लेगा। तो जब माल इंडियन कस्टम पोर्ट पे आएगा, मुंबई कस्टम पोर्ट पे आएगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं दिखाऊंगा क्या, वही आपकी बिल्टी की कॉपी जो किसने मेरे को दे दी है, एक्सपोर्टर ने। एक्सपोर्टर के पास कहाँ से आई थी सर, उसी शिप वाले मालिक, शिप के मालिक ने ही दी थी, ठीक। अब मैं दिखाऊंगा शिप के मालिक को, देखो बिल्टी की कॉपी मेरे पास है, बिल ऑफ लेडिंग की कॉपी मेरे पास है, ठीक, ये सारा माल मेरा ही है, मेरे को ये डिलीवर कर दो, ठीक है। तो बिल ऑफ लेडिंग समझ में आ गई सर, बिल ऑफ लेडिंग बिल्कुल समझ में आ गई, एवं पढ़ लेते हैं। बिल ऑफ लेडिंग क्या होती है, आपका इशू कौन करता है, टू कॉपी सेंडर को दे देते हैं, एक कॉपी ट्रांसपोर्टर खुद रख लेता है, एक कॉपी सेंडर खुद रख लेता है और दूसरी किसको दे देता है, रेसिपिएंट को दे देता है, ठीक है। हाँ सर, ठीक है, ये बिल ऑफ लेडिंग चाहे माल शिप से आ जाए तो भी, चाहे एयरवे से आ जाए तो भी लगता ही लगता है, ठीक है। हाँ सर, ठीक है, आगे बढ़े, बिल्कुल सर आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये बिल ऑफ लेडिंग अपन ने समझ लिया, अब इंपोर्ट मैनिफेस्टो। तो बिल ऑफ लेडिंग के बारे में थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। भैया इशू कौन कर रहा है, तुमको बताया तो सही, इशू कौन कर रहा है, ट्रांसपोर्टर आदमी, ट्रांसपोर्टर आदमी मतलब पर्सन इंचार्ज। अरे भैया ट्रांसपोर्टर क्या शिप के खुद से निकल इशू कर देगा क्या, शिप को भी कोई तो चला रहा होगा ना, पोपाय द सेलरमैन चला रहा होगा ना, बचपन में देखा है ना पोपाय द सेलरमैन, ठीक है। तो अपने कार्टून के एग्जांपल में तो पोपाय अपना क्या करेगा, इशू करेगा कौन, क्या बिल ऑफ लेडिंग, पर्सन इंचार्ज कौन, जो भी पूरे चार्ज ले रखा है, जिसने पूरी शिप का चार्ज ले रखा है, वो है आपका पर्सन इंचार्ज, जो एक्चुअली शिप को लेके आ रहा है वो है वो आपका पर्सन इंचार्ज, ठीक है। और वो इशू क्या करेगा, आपकी बिल ऑफ लेडिंग। वाई, क्यों इशू करेगा भैया, एंश्योर करेक्ट डिलीवरी, एंश्योर डिलीवरी इन द करेक्ट हैंड, टू एंश्योर डिलीवरी इन द करेक्ट हैंड। अरे वाओ, मैं तो सेम लाइन बोल दी, मैंने रटी भी नहीं थी, देखी नहीं थी, मैं तो खुद से बोली थी, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। व्हेन, ड्यूरिंग लोडिंग ऑफ गुड्स, अरे इशू कब होगी, ड्यूरिंग लोडिंग ऑफ गुड्स, इशू तो लोडिंग के टाइम ही हो जाएगी ना। हाँ सर, बिल्कुल लोडिंग के टाइम ही हो जाएगी। और कितनी कॉपीज में होगी, तीन कॉपीज में होगी। सर समझ में आ गया, बिल ऑफ लेडिंग हमें पहले ही आ गया था, आपको ये समझने की जरूरत नहीं थी। अब ये इंपोर्ट मैनिफेस्ट क्या होता है ये बता दो। सर इंपोर्ट मैनिफेस्ट होता है माल की जानकारी। एक्चुअली इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल किया जाता है पर बाय पर्सन इंचार्ज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब आपका पोपाय आदमी इंडियन गवर्नमेंट को बता रहा है, आपका पोपाय इंडिया को बता, इंडियन गवर्नमेंट को बता रहा है कि नहीं ये गुड्स लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं कोई हजारियड्स, ठीक है, कोई बॉम्ब ऐसे गुड्स भी लेके आ रहा हूँ, तो उनकी जानकारी भी देगा, ठीक है। कुछ भी गुड्स अगर छुपा लिया तो वो जो गुड्स की जानकारी छुपा ली वो क्या हो जाएगी, स्मगल्ड गुड्स हो जाएगी, ठीक है। और स्मगलिंग का आप पे आरोप लग जाएगा। किस पे सर, सर इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करने की जिम्मेदारी किसकी है, सर पर्सन इंचार्ज की। तो स्मगल का आरोप किस पे लगेगा, पर्सन इंचार्ज पे, ठीक है। मतलब बिना बताए इंडिया में कोई भी गुड्स नहीं आना चाहिए। तुम तो आरडीएस मंगा लोगे छुपा के, ठीक, तुमने तो पूरा शिप भर के माल मंगाओगे और एक बोरी में आरडीएस मंगा लोगे, बोले शिप भर, पूरे शिप की तो डिटेल नहीं थी, बस एक बोरी की तो डिटेल नहीं थी। अच्छा, ऐसे थोड़ी ना होगा। इसलिए इंपोर्ट मैनिफेस्ट में क्या है, शिप में जो भी माल लोड हुआ रखा है, जो भी इंडिया की तरफ आ रहा है, सब एक की, हर एक की जानकारी देनी पड़ेगी किसको, इंडियन गवर्नमेंट में, इंडियन गवर्नमेंट को। कौन देगा सर, माल कौन ला रहा है, पर्सन इंचार्ज ला रहा है, पर्सन इंचार्ज देगा। पढ़ लेते हैं, हु पर्सन इंचार्ज ऑफ द कन्वेंस, वाई, सिक्योरिटी पर्पस। आरडीएक्स आ गया तो सिक्योरिटी पर्पस आपका डिफीट हो गया ना, इसे सिक्योरिटी पर्पस भी क्या देनी पड़ेगी आपको, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट की, इंपोर्ट मैनिफेस्ट की डिटेल देनी पड़ेगी इंडियन गवर्नमेंट को। एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट, सर ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे होगा जानकारी देने से, अरे इंडियन गवर्नमेंट को पता लग जाएगा इतना माल आने वाला है, तो उस हिसाब से वो ट्रैफिक मैनेजमेंट कर लेगी ना, उस हिसाब से टाइम देगी ना, इस टाइम पे आना, भैया तुम्हारा तो माल जाता है तुम रात को आना, अरे तुम्हारा तो माल दो मिनट में अनलोड हो जाएगा, चलो तुम एकदम पीक टाइम पे जाना, कोई दिक्कत नहीं, आते तुम तो चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट भी हो जाता है। वैन, सर रस्ते में होगा जब भी इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल कर दे या चले, जब भी सर रस्ते में हो तो भी चल दे, कर दे तो भी चलेगा, मतलब इंडियन पोर्ट पे आने से पहले पहले करना है। और अगर लैंड के माध्यम से माल आ रहा है ना, मतलब ट्रक के पाकिस्तान से इंडिया में क्या आते हैं, बहुत सारे छुहारे इंडिया में आते हैं, ठीक है ना, अगर लैंड के माध्यम से माल आ रहा है तो
ट्रक ड्राइवर चाहे तो इम्पोर्ट मैनिफेस्ट आने के 12 घंटे बाद भी फाइल कर सकता है, और केसेस में तो बिफोर फाइल करना होता है, पर लैंड के माध्यम से माल आ रहा है तो आने के 12 घंटे बाद भी आप इम्पोर्ट मैनिफेस्ट फाइल कर सकते हो। क्यों सर इसको औरों को तो पहले पहले क्यों, और इसको 12 घंटे बाद तक का समय क्यों दिया? क्योंकि लैंड से आने में हो सकता है कल चलाओ आज पहुंच जाए, पर शिप से आने में माल लगेगा टाइम। जब टाइम है तो पहले पहले फाइल कर दो ना, और ट्रक के केस में तो फाइल टाइम ही नहीं है, तो आने के बाद भी आप फाइल कर देना, ठीक है। व्हेन बिफोर अराइवल एट पोर्ट एक्ट इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर देना। आगे अपन पढ़ेंगे कि लैंड के केस में 12 घंटे बाद तक भी फाइल कर सकता है, हाउ, बट इन केस ऑफ व्हीकल ये लिख दिया, ये यही लिख दिया, इन केस ऑफ व्हीकल मैनुअली आफ्टर अराइवल विद इन 12 आवर, ठीक है सर। इंपोर्ट बिल ऑफ लेडिंग और इंपोर्ट मैनिफेस्ट समझ में आ गया सर? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया, बस इसके बाद तो क्या ही है आपका, चलते हैं आगे। चार्ट फोर पे आ गए अपन। चार्ट फोर में क्या बताया गया है? रोल ऑफ 5% बताया गया सर। मतलब 5% मतलब, अरे पूरे इंपोर्ट के चैप्टर में, पूरे कस्टम के चैप्टर में, आपका पूरा कस्टम का चैप्टर क्या है, इन्हीं पांच लोगों के इर्द गिर्द घूमता है सर। ये पांच लोग कौन है, मतलब अगर ये पांच लोग हम समझ ले तो हमको पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी। हाँ पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी, यही आपका एक्ट्रेस, यही आपकी एक्ट्रेस, ठीक। ज्यादा कैरेक्टर नहीं मेरी पिक्चर में, ठीक। मुश्किल से मुश्किल दो तीन एक्टर है, दो तीन एक्ट्रेस है, कुल मिला के मेरे पास पांच एक्टर एक्ट्रेस है सर। ये पांच एक्टर एक्ट्रेस कौन है बता दो, तो हमें पूरा कस्टम समझ में आ जाए, यही बात। देखो सबसे पहला है आपका पर्सन इंचार्ज, समझ ही गए ना इसका रोल तो सर। एक तो ये बिल ऑफ लेडिंग इशू करता है, एक इंपोर्ट मैनिफेस्ट इशू करता है, इसका इतना ही रोल है कि हाँ इसका जितना रोल था तुमने पढ़ लिया, ठीक। तो इसका तो सर था अपना पिक्चर में कैमियो रोल, ये तो चला गया अपनी परफॉर्मेंस देके चला गया। दूसरा पर्सन कौन है सर आपका? कस्टोडियन। अरे माल आएगा तो कहीं तो उतरेगा, और कहीं उतरेगा तो उसको संभालेगा कौन? कस्टोडियन, उसको आदमी संभाल के चलेगा, ठीक। और तीसरा आदमी कौन है सर? कस्टम ऑफिसर। भैया ये दूसरा आदमी नाम दे दो इसको, इसका तीसरा आदमी दे दो सर। ये नंबर बदल भी सकते हैं क्या? अरे नंबर तो कैसे बदल सकते हैं, मैं तो फिर टोटल पांच बोल रहा हूँ, कैसे किसी को दूसरा बोल दो, किसी को तीसरा बोल दो, ठीक। तीसरा, दूसरे और तीसरे में क्या फर्क है? देखो यार कस्टम ऑफिसर तो क्या होता है, एकदम प्रॉपर अधिकारी होता है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही आदमी होता है। कस्टोडियन आपका प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है। अडानी पोर्ट का नाम सुना है ना आपने, तो अडानी पोर्ट एक कस्टोडियन ही है, वो प्राइवेट कस्टोडियन है, ठीक। उसने गवर्नमेंट को बोला, ऐसे हाथ जोड़ के गया भिखारी की जैसे, बिल्कुल। वैसे गौतम अडानी कितना भी बड़ा आदमी होगा, पर सरकार के आगे, पावर के आगे तो सबको झुकना पड़ता है। ऐसे हाथ जोड़ के गया, नमस्कार साहब, नमस्कार, मीटिंग में बैठा। बोले आप कौन? बोले मैं गौतम अडानी। किसकी मीटिंग चल रही है? प्रधानमंत्री मोदी की और गौतम अडानी की मीटिंग चल रही है। बोले आप कौन सर? बोले मैं गौतम अडानी, मुझको नहीं पहचानते। बोले पहचानते, पर हमारे पास तो बड़े बड़े लोग ही आते, तो मेरे को इतनी आदत नहीं है। अच्छा ठीक है, बोलिए गौतम अडानी साहब। तो बोले आपका जो मुंबई कस्टम पोर्ट है ना, जहाँ पे दिन भर माल आता है, शिप्स आते हैं, शिप जाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो एंगेज है मुंबई कस्टम पोर्ट, उसकी भाग डोर, उसकी रेख देख आप मेरे हाथों में दे दीजिए। बोले क्यों दे दे? बोले बदले में आपको किराया देंगे ना, बदले में आप किराया देंगे। बोले हमने मोदी साहब ने पूछा आपका क्या फ़ायदा? बोले हमारा ये फ़ायदा कि जो भी चार्जेस होते हैं डीमोरेजेस चार्जेस, वो हम आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट से क्लेम कर लेंगे, तो बीच में हम कमा जाएंगे। तो बोले जब तुम कमा जाओगे तो हम क्यों ना संभालें? तो बोले देखो सर आपकी मर्जी, पोर्ट आपका, आपकी मर्जी, चाहो तो आप संभाल लो, चाहो तो हमको संभाल लो। अब पर अगर आप हमें दोगे तो हम थोड़ा सा बेटर मैनेजमेंट कर देंगे, बाकी सरकारी विभाग तो आप जानते हो कैसे चलता है, मतलब मेरी टेबल पर बैठ के मेरे से ही मैं हूँ, है ना। तो फिर भी मैंने क्या समझा, मैं जानता हूँ कि भैया अगर मैं पब्लिक डिपार्टमेंट जितना ज़्यादा रखूँगा उतना ज़्यादा मिसमैनेजमेंट रखता है, हो सकता है प्राइवेटाइजेशन कर दूँ। तो अगर कस्टोडियन को मैंने, उसको मीटिंग फिक्स हो गई, डील डन हो गई, और अडानी को दे दिया जा तू संभाल ले पोर्ट का चार्ज, मैं तो इतने रुपए तेरे से लूंगा साल भर के, 200 करोड़ रुपए लूंगा, जा मुंबई कस्टम पोर्ट पूरा तेरा हुआ, अब तू कमा चाहे नुकसान में जा, मेरे को नहीं पता, ठीक। तो ये तो हुआ प्राइवेट कस्टोडियन, और ये होता पब्लिक कस्टोडियन। पब्लिक कस्टोडियन मतलब मैं मना कर दिया डील में, भाग जाओ यहाँ से, खड़ा हो जा और बिल्कुल भाग जा, ऐसे उल्टी सुलटी बातें करने, मोदी के सामने उल्टी सुलटी बातें करेंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा सर। तो उसको भगा दिया, और भगा दिया तो मतलब मोदी साहब आप खुद के ऑफिसर अपॉइंट करेंगे, खुद का कस्टोडियन अपॉइंट करेंगे और खुद संभालेंगे, ठीक है। तो कस्टोडियन तो प्राइवेट और पब्लिक दोनों हो सकता है, जो पोर्ट को एक्चुअली संभालेगा। और कस्टम ऑफिसर कौन होंगे? अरे कस्टम ऑफिसर तो वो होंगे जो मैंने, आपने SSC का पेपर पास करके गए हैं कस्टम ऑफिसर, है ना, कस्टम डिपार्टमेंट में लगे हैं, और कस्टम ड्यूटी जो गुड्स आए हैं तरीके से उतर जाए, ये तो किससे किसकी जिम्मेदारी? कस्टोडियन की। और आने जो गुड्स आए हैं उन पर ड्यूटी कलेक्ट हो जाए, ये किसकी जिम्मेदारी? कस्टम ऑफिसर की जिम्मेदारी। तो कस्टम ऑफिसर हरदम प्राइवेट हो सकता है क्या सर? कस्टम ऑफिसर कभी भी प्राइवेट नहीं हो सकता, ये तो हरदम सरकारी आदमी ही होगा। कस्टोडियन आपका प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है सर। ये लगता है सर, देखो यहाँ बैठे बैठे क्या है, मेरे को क्या है, हवा चेंज हो गई और मेरे को लग रहा है बाहर बारिश हुई है सर। इतना एक्सपीरियंस क्या बिल्कुल लग रहा है, ठीक है, खुशबू आ गई मिट्टी की तो उससे लग रहा है बाहर बारिश हुई है सर, ठीक है। चौथा आदमी समझाओ अब तो, है ना, ये धरती से जुड़े हुए आदमी को पता लग जाता है, तुम क्या AC-WC वाले आदमी, तुम्हें क्या पता लगेगा, है ना। हम क्या पंखे में बैठते तो पता लग जाता है पंखे की हवा क्या चेंज हो जाती है, ठीक है। अभी बॉन्डेड वेयर हाउस सर, ये बॉन्डेड वेयर हाउस में ये
कीपर कौन होता है? अरे क्या है, कई बार क्या है, माल आता है ना, इंपोर्टर माल मंगाता है और डायरेक्ट क्या माल क्या है कस्टम ऑफिस क्लियर नहीं होता होम कंडीशन के लिए। आपका इंपोर्टर क्या बोलता है कि माल क्या है वेयरहाउस में भेज दो। बोले क्यों सर, ऐसा इंटेंशन क्यों, माल मंगाया नहीं था और गोदाउन में रखना था तो मंगाया क्यों, मंगाई बाद में लेता। हो सकता है ना अभी माल सस्ते में मिल रहा हो बाहर से, बाद में वही माल महंगा हो जाता हो। इस बार इंपोर्टर को पता है अरे यार ये तो बहुत सस्ता माल मिल रहा है, मंगा ले, भर भर के मंगा ले। ठीक, तो उसने माल मंगा लिया और माल मंगा के चाहे तो वेयर हाउस में रख दिया। सर ये वेयर हाउस खुद का वेयर हाउस है क्या? नहीं नहीं, है तो एक कस्टम डिपार्टमेंट का ही वेयर हाउस, ध्यान से, ये खुद का गोडाउन नहीं है उसका, है तो एक कस्टम डिपार्टमेंट का ही वेयर हाउस। अब ये वेयर हाउस भी प्राइवेट भी हो सकता है बच्चों, पब्लिक भी हो सकता है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट, इस बार तुम गए हो गवर्नमेंट के पास, मोदी साहब के पास, और बोले सर वेयर हाउस खोलना चाहता हूँ कस्टम डिपार्टमेंट में। मतलब आपके पास जमीन पड़ी, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का पैसा पड़ा है, आप क्या चाहते हो आपकी वो जमीन और उस पर जो आप बिल्डिंग खड़ी कर दोगे वो वेयर हाउस में काम आए और आप जो भी माल इम्पोर्ट होता है उस इम्पोर्टेड माल को अपने वेयर हाउस में रख लो और किराया चार्ज करो और रहोगे आप कस्टम डिपार्टमेंट के अंडर में। मतलब उस वेयर हाउस पे सिर्फ आपकी नहीं चलेगी, डिपार्टमेंट की भी चलेगी। क्यों सर? क्योंकि वो अभी तक कस्टम एरिया में ही कहा जाता है, वेयर हाउस भी कस्टम एरिया में ही आता है। तो ये वेयर हाउस भी दो तरह के हो सकते हैं, या तो प्राइवेट हो सकते हैं या पब्लिक हो सकते हैं। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट अपना ही जमीन ले, अपना ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे और माल रखवाए किराया ले, ये तो है पब्लिक। और गवर्नमेंट ने क्या किया, किसी को ऑथराइज कर दिया कि जा लैंड तेरी, जमीन तेरी, बनवा तू, पर किराया हमारे बिहाफ पे कलेक्ट कर ले और हमको कुछ किराया दे दे, ये हो गए प्राइवेट वेयर हाउस। ठीक, तो ये वेयर हाउस कीपर भी आपका क्या होता है, फोर्थ पिक्चर में ये आता है। और सर पांचवा आदमी तो पक्का है ही, ये तो फर्स्ट आदमी होना चाहिए था वैसे, है ना, पर कभी बात नहीं, फ्लैशबैक में पिक्चर समझ लो, ये पांचवा आदमी क्या है, इंपोर्टर, जिसकी वजह से ये सारा चैप्टर लिखा गया, ये सारा काम जाम हुआ, ये तुमको इतनी मेहनत करनी पड़ गई, वो कौन है, इंपोर्टर, जाओ पकड़ो इंपोर्टर को, बिल्कुल पिटाई कर दो इसकी, तुम्हारी इस अकेले आदमी की वजह से, इस अकेले, इसको तो विलन बोलना चाहिए, हीरो का ही है। ठीक, सिर्फ इसकी वजह से तुमको पूरा कस्टम का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ये चार आदमी भी इसकी वजह से ही आए हैं। ठीक, तो ये हीरोइन होगी सर फिर, तो ये चार हीरो इसी की वजह से आए क्या? हो सकता है भाई। ठीक है, ये इसी की वजह से आए हैं। तो अब हमें समझ में आ गया सर, ये पांच आदमी कौन है हमारे पूरे कस्टम के, पांच हीरो कौन है, चार हीरो है हमारे, एक हीरोइन है हमारी, हीरोइन कौन है तुम्हारी, इंपोर्टर खुद तुम्हारा हीरोइन है। ठीक है, ले देखे पूरा चैप्टर इसी के पीछे घूमता रहेगा, इंपोर्टर की वजह से ही सारा का सारा क्रिएट हुआ है। अब आगे पढ़ने जा रहे हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इंपोर्ट ऑफ गुड्स का एक तरीका है, ये थोड़ी ना फोन मिलाया, अभी फोन पे लग रखे थे ना तुम और ट्रंप, ठीक, फोन मिलाया और माल आ गया, ऐसे थोड़ी ना होता है। बीच में पूरा का पूरा कस्टम विभाग है, कस्टम विभाग ने लॉ लिख रखा है, तो कस्टम विभाग ने लॉ को अपने अकॉर्डिंग लिख रखा है, जिसमें अलग अलग सेक्शन लिख रखे हैं। कहानी शुरू होती है सेक्शन नंबर 29 से। ठीक है, अराइवल ओनली एट कस्टम पोर्ट एयरपोर्ट, मतलब सेक्शन नंबर 29 किस पे हिट होता होगा, लिख लो यहाँ पे, पर्सन इन चार्ज पे हिट होता होगा सर, मतलब आना है तो मुंबई कस्टम पोर्ट पे ही आना है। सर कस्टम पोर्ट क्या होता है, अभी अभी यार कस्टम शुरू करने से पहले बताया था कि अगर इंडिया की कोस्टल लाइन है, ये वी बन रहा है, अगर इंडिया की कोस्टल लाइन है तो हर पूरे कोस्टल लाइन से समुद्र तो टटा हुआ है, समुद्र तो सबसे टच हो रहा है, तो हर पोर्ट क्या कस्टम पोर्ट हो गया क्या? नहीं नहीं, कुछ पोर्ट को ऑथराइज करेगी गवर्नमेंट, उसी को कहेंगे कस्टम पोर्ट। अगर ये इंडिया की कोस्टल लाइन है, पानी तो सबसे टच हो रहा है, तो कहीं पे भी माल शिप उतार दो क्या? नहीं, शिप उतारेंगे एकदम कस्टम पोर्ट पे। अब ये कस्टम पोर्ट कौन से बन के, जिनको भी ऑथराइज करती है, कौन ऑथराइज करती है, सीबीआईसी। ठीक, जिस भी पोर्ट को सीबीआईसी ऑथराइज करेगी वो क्या बनेगा, कस्टम पोर्ट। ठीक, तो सेक्शन नंबर 29 क्या कहना है, आना है तो कस्टम पोर्ट पे ही आना है, हो सकता है कुछ चार पांच कस्टम पोर्ट हो आपके, आना है तो कस्टम एयरपोर्ट पे ही आना है, ये आपका वेस्ट बंगाल में हो गया, एक गुजरात में भी है। ठीक, तो आना है तो कस्टम पोर्ट पे आना है, हर कहीं मत उतर जाना, यहाँ मत उतर जाना, या अगर ये कस्टम पोर्ट नहीं है तो यहाँ मत उतर जाना अपना शिप लेके। अगर यहाँ तुमने उतर गए अपना शिप लेके, तो इस एक्टिविटी को क्या कह दिया जाएगा, स्मगल्ड एक्टिविटी, स्मगलिंग कह दिया जाएगा। ठीक, और स्मगलिंग के आपके प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे और आप पे जेल तक के प्रावधान लग जाएंगे, इसलिए जो कह रहे हैं वही सुनो। ठीक, जो सेक्शन में लिख रखा है वही करो, सेक्शन क्या कह रहा है 29 कि आना है तुम सिर्फ कस्टम पोर्ट पे ही आना है। समझ में आ गया, किसको कह रहा होगा सर, कौन आता है, आता सर पर्सन इंचार्ज है अपने शिप को लेके, तो पर्सन इंचार्ज को कह रहे हैं सेक्शन नंबर 29 में, सर डन। सेक्शन नंबर 30 में क्या कहते हैं, उसी पर्सन इंचार्ज को सेक्शन 30 में कह रहे हैं, आने से पहले क्या कर देना, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट फाइल कर देना, बता दिया ना इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट क्या होता है, हाँ सर बता दिया। तो उसी सेक्शन 30 में अपन किसको कह रहे हैं, अपने पर्सन इंचार्ज को कह रहे हैं कि इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल कर देना आने से पहले, और लैंड से अगर आ रहा है तो आने के 12 घंटे बाद तक इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल कर देना। सेक्शन 30 में वन में एक टर्म है अनलोडिंग परमिशन, एंट्री इनवर्ड, नई टर्मोलॉजी सीख के चलेंगे, एंट्री इनवर्ड।
सर सेक्शन 31 पढ़ा रहे हैं, एंट्री इनवर्ट पढ़ा रहे हैं, दोनों ही कवर हो जाएंगे बच्चों, एंट्री इनवर्ट। ये क्या टर्मोलॉजी है सर? अरे बच्चों ये इतनी इजी टर्मोलॉजी है, आपके पर्सन इंचार्ज भी इंपोर्टेंट होती है ये भी। सो मतलब पर्सन इंचार्ज मतलब उसको तो कानून लिख लिख के पढ़ा पढ़ा के मार दो तुम, हाँ बिल्कुल मार देंगे ठीक। इंपोर्ट करना इतना आसान थोड़ी ना है भैया, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन में गुजरना पड़ेगा। तो सर ठीक है गुजर जाएंगे, बता ही दो ये क्या है, ये कौन सा आग कंगारा है एंट्री नंबर। देखो पर्सन इंचार्ज को सबसे पहले बोला बिल ऑफ लेडिंग इशू करेगा, इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करेगा, फिर बोला कि इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल बता तो दिया तूने क्या क्या ला रहा है, आ भी गया तू, आने से पहले ये थोड़ी ना कि आते तू माल अनलोड करना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं होता भैया। आने के बाद भी हमसे परमिशन लेना मतलब बार बार झुक जाना हमारी तरफ हमारी सामने है ना, और हमसे फिर परमिशन लेना हाथ जोड़ के कि सर माल उतार दूं क्या ठीक। तो एंट्री इनवर्ट है क्या, अनलोडिंग की परमिशन, माल अनलोड करने की परमिशन है एंट्री इनवर्ट। क्या लिखा है, अनलोडिंग का परमिशन दैट इज एंट्री इनवर्ट बाय पर्सन इन चार्ज फ्रॉम कस्टोडियन, कस्टम ऑफिसर से लेगा या कस्टम कस्टोडियन से लेगा, सर लिखा है ना साफ साफ कस्टोडियन से लेगा। और तुम्हारे बात समझ में भी आ जाती है कि भैया सारे कस्टम मतलब उस एरिया की कस्टम पोर्ट की सारी भागदौड़ किसके हाथ में है, कस्टोडियन के हाथ में। तो कस्टोडियन से तो परमिशन लेगा कि माल उतार दूं या नहीं उतारूं, तो कस्टोडियन बोलेगा रुक जा अभी देखते हैं। तो सर हर माल के लिए इजाजत लगेगी कि उतारने के लिए? नहीं सर, चार चीजों के लिए इजाजत नहीं चाहिए सर। चार चीजों की फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म कुछ मेमोरेटरी, हाँ बिल्कुल है, मैंने बताई थी मेल बैग्स एच एम बी एम बी ए एच बी एम बी से मेल बैग्स, ये एक ही है मेल बैग्स। एनिमल्स, मेल बैग्स क्या है, एनिमल्स लाए हो ठीक, ऊँट लेके आए हो भैया बाहर का, सऊदी अरब का ऊँट लेके आए हो यहाँ पे ठीक है, यहाँ के राजस्थान में के रेगिस्तान में चलाने के लिए। तो एनिमल आया बाहर से तो उसको उतारने के लिए परमिशन चाहिए होगी क्या? नहीं सर, आप तो छोड़ा एनिमल रोने लग जाएगा, बिल्कुल भी परमिशन नहीं चाहिए। हजार और पेरिशेबल गुड्स, हो सकता है बाहर से वो सेब का ट्रक आया हो, मंगाया था ना अभी सेब का ट्रक ही मंगाया था, हजार सेब का ट्रक आया होगा तो सेब का ट्रक मंगाने के लिए भी एंट्री की परमिशन लगेगी। अगर परमिशन आने में दो दिन लग गए ना तो सेब सब बड़ी बड़ी खराब हो जाएगी। तो इसलिए पेरिशेबल गुड्स में भी आपको नहीं चाहिए होती एंट्री की परमिशन, और हजार गुड्स हो सकता है कुछ एक्सप्लोसिव होकर फट जाए, और भैया आपने वो मंगाया था आरडीएक्स ठीक, बॉम्ब मंगवाए थे, आर्म्स एंड एम्यूनिशन मंगवाए थे, इनको भी उतारने के लिए कोई भी परमिशन नहीं थी, इनको तो जल्दी से जल्दी अनलोड करो। तो ऐसे कह दूं सर परमिशन ही नहीं चाहिए, या इनके लिए केस में परमिशन जल्दी से मिल जाती है? देखो ऐसे कहना ज़्यादा ठीक होगा कि इनके केस में आपका कस्टोडियन देरी नहीं कर सकता, उसको हाथ टू हाथ परमिशन देनी होगी। पर लॉ में लिखा क्या गया है कि इस केस में एंट्री इनवर्ट के लिए एंट्री इनवर्ट चाहिए ही नहीं होगी। हाँ तो मतलब एंट्री इनवर्ट जैसी कोई परमिशन कोई लीगलिटी तो नहीं होगी, पर आके बताएगा तो सरीना कि भैया ये माल लाया हूँ उतारने की फटाफट से परमिशन दे, मैनुअली तो बोलचाल में तो परमिशन मांगेगा ना, या बस यहाँ पे कस्टोडियन आया बोले तू कौन, इसमें तो ऐसा एम बी एच पी लाया हूँ तेरे को तो पूछूंगा ही नहीं और माल उतारना शुरू कर दिया ठीक है। रियल जिंदगी में प्रैक्टिकल जिंदगी में पूछा तो जाता है, पर हाँ कोई फॉर्म फाइल एप्लीकेशन फाइल नहीं करनी पड़ती एंट्री इनवर्ट इन पाँच केसेस में। बहुत ही फोन सॉरी, हेलो हाँ जी कौन, हेलो सर बाद में बात करेंगे, अभी मैं इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ ठीक है। आपके लिए मैं डाल देता हूँ फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे, अब नहीं आएगा कोई ठीक है। हाँ सर ठीक है, तो एम बी एच पी एम बी एम से है मेल बैग्स, एम बी से है पूरा मेल बैग, ए से है एनिमल, एच है हजार डियर्स, और पी से है पेरिशेबल गुड्स। हजार डियर गुड्स मतलब बॉम्बे एक्सप्लोसिव जो फट सकते हैं आपके, पेरिशेबल से जो जल्दी खराब हो जाते हैं, एनिमल से एनिमल, और मेल बैग से मेल बैग्स ठीक है। ठीक है सर, ये हो गए आपके एंट्री इनवर्ट की भी डेफिनेशन, और आगे चलते जाओ सर, रुको मत आज, हाँ सर रुके ना तू थके ना तू, कर शपथ। सेक्शन नंबर 32 अग्निपथ ठीक, सेक्शन नंबर 32 क्या कह रहा है आपका कि ओनली दोज गुड्स विल बी अनलोडेड, मतलब पर्सन इन चार्ज ने जिस जिस चीज़ की इंपोर्ट मैनिफेस्ट में जानकारी दी होगी ना, सिर्फ उसी गुड्स को उतरने दिया जाएगा पोर्ट पे। अगर उसने किसी गुड्स की मतलब इंपोर्ट मैनिफेस्ट का जो पर्चा है वो कस्टम कस्टोडियन हाथ में लेके रखेगा और बोलेगा चल माल उतारना शुरू कर ठीक। अब जैसे जैसे माल उतरेगा वो टिक लगाता जाएगा, हाँ इसकी जानकारी थी, इसकी जानकारी थी, इसकी जानकारी थी। और कुछ ऐसा माल उतरने लगा जो इंपोर्ट मैनिफेस्ट कस्टोडियन के हाथ में, जो इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल तो पर्सन इंचार्ज ने किया था ना, बोले ये तो इसकी तो जानकारी थी, इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल किया था, तो जा इसको उतरने भी नहीं देता, इसको वापस रख ले, वापस चढ़ा ले इसको तेरे पोर्ट पे शिप पे। क्यों 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 सर? अरे सच क्यों नहीं बोला?
जब तेरे को इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करने के लिए कहा था तो तेरे शिप में जितना ही माल था सबकी जानकारी देनी थी। तो सेक्शन 32 में हमारे पास ये पावर है कि अगर तूने जानकारी नहीं दी तो यहाँ हम अनलोड भी होने नहीं देंगे। इसलिए वहाँ पे जब कह रहे थे कि चुपचाप इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल कर देना तो हर एक चीज बता देना, तभी सेक्शन 32 में सारी चीज अनलोड हो पाएगी। ठीक है, ओनली दोज गुड विल बी अनलोडेड विच आर मेंशन्ड इन इंपोर्ट मैनिफेस्ट टू अनलोड एट द पोर्ट। 33 क्या कहता है, अनलोडिंग एट अप्रूव प्लेसेस, बताया ही था ना। सेक्शन 29 भी इसके बारे में कह रहा है कि आना है तो कस्टम पोर्ट पे ही आना है। और वो क्या कह रहा है, आना तो अच्छा आ तो क्या मैं कस्टम पोर्ट पे और अनलोड आके चला जाता हूँ कहीं और अनलोड कर देता हूँ, ऐसा थोड़ी ना होता है। आना है तो यही आना है, और सेक्शन 33 क्या कहता है, फिर अनलोड भी कस्टम पोर्ट पे ही करना है। अप्रूव प्लेसेस कौन से होते हैं, कस्टम एरिया ही होते हैं, कस्टम पोर्ट्स ही आपके कौन से होते हैं, अप्रूव प्लेसेस होते हैं। मतलब जो सेक्शन 29 और 33 तो एक जैसा ही हो गया। सेक्शन 34 क्या कह रहा है, अनलोडिंग अंडर द सुपरविजन ऑफ कस्टम ऑफिसर। मतलब ठीक है, कस्टम ऑफिसर तो मजे दूर का आदमी है तो मूंगफली चने खाने आया पोर्ट पे है ना, मतलब कस्टोडियन और इंपोर्टर आपस में बात कर लेते हैं और माल उतार लेते हैं। ठीक है, कस्टम ऑफिसर तो मूंगफली चने खाने आया तो बात ही मत करो, ऐसा थोड़ी ना होता यार। तो मतलब कस्टोडियन तो लगेगा ही लगेगा और कस्टम ऑफिसर भी लगेगा। हाँ भाई, वो बाबूजी बैठेंगे हाथ फोल्ड करके, चलो माल उतारो। ठीक है, हो सकता है इंपोर्ट मैनिफेस्ट की जो पर्चा है वो आपके कस्टम ऑफिसर ही हाथ में ले ले। हाँ बिल्कुल, वही ले लेते हैं, कस्टोडियन भी ले सकता है, वो भी ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी तो कस्टम ऑफिसर के अंडर में ही है ना। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी किसकी है, कस्टोडियन की। सुरक्षा की जिम्मेदारी और टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है, कस्टम ऑफिसर की। इसलिए कस्टम ऑफिसर को भी बैठना पड़ेगा जब माल अनलोड हो रहा होगा। डायरेक्ट क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन और इनडायरेक्ट क्लियरेंस क्या होता है सर, एंट्री से इस डायग्राम से समझते हैं। डायरेक्ट क्लियरेंस और इनडायरेक्ट क्लियरेंस क्या होता है, आपका माल इंडिया से बाहर से इंडिया में आ गया, आपका माल बाहर से इंडिया में आ गया, इंडिया में पोर्ट पे अनलोड हो गया, ये आपके माल की बोरियां उतर गई, ये देखो ये आपका माल पड़ा, दिख रहा है ना। हाँ सर दिख रहा है, हम आपके अपने माल को ध्यान से देख पा रहे हैं। ठीक, अब ये माल आपका कहाँ पड़ा है, मुंबई कस्टम पोर्ट पे पड़ा है। चाहे तो आप इसको छुड़ा के ले जाओ, बिल ऑफ एंट्री सर, ये नई टर्मिनोलॉजी, हाँ तो बार बार नई टर्मिनोलॉजी, बिल ऑफ एंट्री फाइल करके जाओ तो क्या करो, इस माल को डायरेक्ट क्लियर क्लियरेंस कर लेके जाओ, या फिर इस माल को जाने दो वेयर हाउस में। आज आपको इस माल की जरूरत नहीं है, इस माल को आज तो कहाँ जाने दो, वेयर हाउस में, फिर वेयर हाउस से आप क्लियर करा लेना बिल ऑफ एंट्री ही फाइल करके। ये बिल ऑफ एंट्री होती है अंडर सेक्शन 46, ये होती है अंडर सेक्शन 68। ठीक है, चाहे बिल ऑफ एंट्री 46 का मतलब डायरेक्ट क्लियरेंस, चाहे बिल ऑफ एंट्री अंडर सेक्शन 68 मतलब इनडायरेक्ट क्लियरेंस। इनडायरेक्ट क्लियरेंस मतलब कस्टम पोर्ट से माल कहाँ गया, पहले वेयर हाउस में गया, फिर वेयर हाउस से एक साल दो साल में आपने वेयर हाउस से छुड़ाया माल, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट क्लियरेंस। और डायरेक्ट क्लियरेंस को कहते हैं पोर्ट से माल आपने डायरेक्ट छुड़ा लिया बिल ऑफ एंट्री फाइल करके। सर ये बिल ऑफ एंट्री क्या नई चीज आ गई, तो पहले तो ये बताओ, उम्मीद करते हैं इस चार्ट में आपकी बिल ऑफ एंट्री का भी जिक्र होगा। नहीं होगा, नहीं है तो सर मैं कर देता हूँ। बिल ऑफ एंट्री क्या होती है, आपके इंपोर्टर को फाइल करनी होती है। बिल ऑफ एंट्री क्या होती है, आपके इंपोर्टर को फाइल करनी होती है। कब सर, वन डे बिफोर अराइवल। मैक्सिमम डेट क्या है, या तो ऑन डे ऑफ अराइवल, किसी किसी केस में डे ऑफ अराइवल पे आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी होती है। मतलब अराइवल के बाद तो बिल्कुल ही भूल जा रहा, मतलब बिल ऑफ एंट्री फाइल करने की कौन फाइल कर रहा है, सर हु व्हेन का पढ़ रहे ना अपन, तो बिल ऑफ एंट्री कौन फाइल कर रहा है, इंपोर्टर आदमी। क्यों, अपने गुड्स को छुड़ाने के लिए। कब, या तो ऑन डे ऑफ अराइवल ऑफ गुड्स, या फिर मैक्सिमम डेट बता रहा हूं ऑन डे ऑफ अराइवल ऑफ गुड्स, या फिर किसी किसी केसेस में वन डे बिफोर अराइवल ऑफ गुड्स। ठीक, मैक्सिमम डेट, और सबसे पहले कब इशू कर सकता है, मतलब लास्ट डेट तो कब है, ऑन अराइवल या वन डे बिफोर अराइवल। लास्ट डेट भी दो है, कौन कौन सी, वन डे बिफोर अराइवल या ऑन डे ऑफ अराइवल। सर लास्ट डेट किसी किसी केस में वन डे बिफोर अराइवल है, किसी केस में ऑन डे ऑफ अराइवल है। और सर अर्लीस्ट डेट, अर्लीस्ट डेट बच्चों बिफोर 30 डेज ऑफ अराइवल। अराइवल से 30 दिन पहले तक आप क्या कर सकते हो, बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हो। बिल ऑफ एंट्री फाइल करता कौन है, इंपोर्टर आदमी। क्यों फाइल करता है, अपने माल को छुड़ाने के लिए। क्या बताता है, वही बताता है कि मेरा ये गुड्स मेरा है, ये जहाज आ रहा है, इस जहाज में मेरा इतना गुड्स है, इस पर इतनी ड्यूटी है, ठीक इस पर इतनी रेट है, तो इस पर जो ड्यूटी बनती है, रेट बनती है, वो पेमेंट भी मैं कर रहा हूँ। मतलब बिल ऑफ एंट्री के साथ साथ इंपोर्टर आदमी टैक्स का, इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट भी कर देता है। और इंपोर्ट ड्यूटी भी दो तरह की, एक तो कस्टम की ड्यूटी और दूसरी कौन सी बताएगा, कौन बताएगा, आईजीएसटी। आपका आईजीएसटी भी पेमेंट कौन करेगा, आपका इंपोर्टर आदमी ही करेगा। किसमें,
आपका बिल ऑफ एंट्री में, मतलब बिल ऑफ एंट्री जैसे आप रिटर्न भरते हो, तो रिटर्न भरने के साथ साथ आपको चालान के थ्रू टैक्स का पेमेंट भी तो करना पड़ता है, चाहे वो इनकम टैक्स रिटर्न हो चाहे आपकी जीएसटी रिटर्न हो। वैसे ही बिल ऑफ एंट्री तो बताएगा कि मेरा ये माल है, और साथ में चालान लगाएगा पेमेंट, ड्यूटी का पेमेंट, कि भैया इतना माल है उस पर इतनी रेट ऑफ ड्यूटी लगती है, तो इतना मेरा ड्यूटी का अमाउंट हो गया। तो दोनों को साइन फाइल कर देगा, किसको? सीबीआईसी को। ये हो गया बिल ऑफ एंट्री। फाइल कौन करता है? आपका इंपोर्टर आदमी फाइल करता है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल ऑफ एंट्री दो तरह की होती है, एक अंडर सेक्शन 46 होती है, एक अंडर सेक्शन 68 होती है। 46 वाली डायरेक्ट क्लियरेंस में लगती है, मतलब पोर्ट से डायरेक्ट माल छुड़ा के ले जाए। 68 लगती है पोर्ट से वेयरहाउस, और वेयरहाउस से होम कंजम्पशन। ठीक, ये लगती है पोर्ट से सीधे होम कंजम्पशन। ठीक है, मतलब पोर्ट और इसमें बीच में वेयरहाउस नहीं आता। ठीक है, 46 और 68 में क्लियरेंस है आपको? सर बिल्कुल सर, इससे बढ़िया तो और क्या समझेंगे। आज हमारा बिल्कुल लग रहा है कि कस्टम में हमको बिल्कुल डर ही नहीं लगने वाला, एग्जाम दे तक तो हमारा बिल्कुल कस्टम हमारी फिंगर टिप्स में नचेगा। बिल्कुल नचाना है इसको, ठीक, घबराना थोड़ी ना, इसको नचाना है। तो डायरेक्ट क्लियरेंस समझ गए, ये रहा अभी अपन ने पढ़ा डायरेक्ट क्लियरेंस, इंपोर्ट ऑफ गुड्स पढ़ा, फिर डायरेक्ट क्लियरेंस पढ़ा 6। अब चार्ट नंबर 7 में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? इनडायरेक्ट क्लियरेंस पढ़ने वाले हैं। मैंने बता दिया ना, इनडायरेक्ट क्लियरेंस में पोर्ट से माल जाएगा वेयरहाउस में, वेयरहाउस से छूटेगा आपका माल होम कंजम्पशन के लिए, उसको क्या कहते हैं अपन? इनडायरेक्ट क्लियरेंस कहते हैं। सर और कुछ है क्या इसमें? लोकेशन ऑफ वेयर, टाइप्स ऑफ वेयरहाउस, पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, मैंने दोनों बता दिया आपको। लोकेशन ऑफ वेयरहाउस, पोर्ट के पास पास कहीं वेयरहाउस सिचुएटेड होता है। मुंबई कस्टम पोर्ट अगर यहाँ है तो हो सकता है उसके आसपास ही क्या हो आपका वेयरहाउस हो। वाई वेयरहाउस? वेयरहाउस की जरूरत पड़ती है क्योंकि कई बार इंपोर्टर डायरेक्ट क्लियरेंस कराने की इच्छुक नहीं होता, माल थोड़े टाइम पे क्या रखना चाहता है, वेयरहाउस में रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें हो सकता है उसके पास पैसे नहीं हो, है ना, लिक्विडिटी इशू हो। अभी है ना, कस्टम ड्यूटी चुकाने के पैसे नहीं हो तो जाओ वेयरहाउस में गुड्स रख दो। शिपमेंट अराइव टू अर्लियर, जल्दी माल सोचा था उससे पहले आ गया। एनुअल रिक्वायरमेंट इंपोर्टेड इन वन लॉट, भैया एक लॉट में माल मंगा लिया, जितना साल भर में चाहिए था तो हर महीने का माल तो हर महीने चाहिए होगा, रखने की जगह है नहीं तो वेयरहाउस में रख दो। ड्यूटी स्पेस इशू एक्सेट्रा वगैरह, इन सब वजह से एक कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं, इंपॉर्टेंट होगी जो मैं खुद ही बता दूंगा। ठीक है ना, अब मेन डायग्राम क्या कह रहा है कि पोर्ट टू वेयरहाउस, मतलब इनडायरेक्ट क्लियरेंस की बात है, पोर्ट से वेयरहाउस गया और वेयरहाउस से होम कंजम्पशन आया, तो पुराना वाला एग्जांपल आपका कंटिन्यू है। ठीक है ना, अंडर सेक्शन 68 में बिल ऑफ एंट्री लगेगी, ये मैंने बताई दिया। पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी करना पड़ेगा जब भी कस्टम एरिया तक, जब भी कस्टम एरिया तक माल पड़ा है जब तक भी आपकी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, है ना। वेयरहाउस भी क्या है? कस्टम एरिया ही है, तो मतलब वेयरहाउस में गुड दो माल दो साल पड़ा रहा तो कस्टम ड्यूटी लगेगी क्या? नहीं लगेगी। वेयरहाउस से छुड़ाएंगे जब लगेगी? हाँ जब लगेगी। जब तक भी कस्टम एरिया में माल पड़ा है जब तक भी आपकी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, और जब तक कस्टम ड्यूटी नहीं लगती जब तक आईजीएसटी लग जाता है क्या? सर नहीं, तक आईजीएसटी भी नहीं लगता, ये अपन ने सीख जाता कहाँ पे? सर शेड्यूल 3 में अपन ने न्यू NEW में वेयरहाउस गुड्स में ये बात अपन ने पढ़ ली थी। ठीक है सर आगे आगे कुछ है ही नहीं यार, बस आगे चलते जाओ, कुछ होगा तो मैं बता ही दूंगा। सर ड्यूटी ड्रॉबैक का कंसेप्ट बता दो, ये तो सर बड़ी भारी भारी लग रहा है। ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है? ड्यूटी का वापस मिल जाना ही क्या कहते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्रॉबैक मतलब वापस तुम्हें मिल गई। क्या, कौन सी ड्यूटी जो तुमने दी थी? बोर्ड का एग्जांपल लेते हैं, बोर्ड का हेल्प लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एग्जांपल के द्वारा। ना द्वारा, टेम्पल है, ठीक। आपने कोई माल इम्पोर्ट किया और आपने बेसिक कस्टम ड्यूटी पे कर दी। भैया ये बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाई क्यों गई है? लगाई गई है कि इंडिया में इम्पोर्ट कम से कम हो, है ना, मतलब इंडिया के लोग इंडिया के ही गुड्स को बना, इंडिया में बने हुए गुड्स को यूज़ करें, इसलिए ये बेसिक कस्टम ड्यूटी नाम के एक ड्यूटी लगाई है इम्पोर्टेड गुड्स पे, जिससे कि इम्पोर्ट महंगा हो जाए। तो मतलब उद्देश्य हमारा ये है, ऑब्जेक्टिव मोटिव हमारा ये है कि बाहर से गुड्स आए और इंडिया में यूज़ ना हो, और यूज़ हो तो फिर हम उस पर ड्यूटी ले लेंगे। मतलब अगर मैंने कोई इंडिया बाहर से कुछ गुड्स मंगाया और मंगा के एक्सपोर्ट कर दिया तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगनी चाहिए क्या? सर नहीं, सर उस पर तो इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। मतलब अगर मैंने गुड्स मंगवाते टाइम BCD दे दिया और अल्टीमेटली मेरा ऑब्जेक्टिव उसको एक्सपोर्ट करना था, तो अभी थोड़ी ना पता है गवर्नमेंट को कि मैं उसको गुड्स को एक्सपोर्ट कर दूंगा या नहीं करूंगा। सर अभी तो नहीं पता, पर कर दिया। अभी मैंने बेसिक कस्टम ड्यूटी दे दी और 2 महीने बाद मैंने उसको प्रोसेस करके एक्सपोर्ट कर दिया। तो ये बेसिक कस्टम ड्यूटी जो गवर्नमेंट ने मेरे से ले ली वो गलत ले ली क्या? हाँ सर गलत ले ली। तो वापस देनी चाहिए क्या? हाँ सर बिल्कुल वापस देनी चाहिए। तो जब इस ड्यूटी का वापस गवर्नमेंट आपको रिफंड देगी, उस रिफंड को क्या बोलेंगे बच्चों? ड्यूटी ड्रॉबैक। उस ड्यूटी को क्या बोलेंगे, उस रिफंड को क्या बोलेंगे कि ड्यूटी का ड्रॉबैक मिल गया। जो ड्यूटी दी थी ना, बेसिक कस्टम ड्यूटी नाम है ना, जो बेसिक कस्टम ड्यूटी दी थी ना, वो वापस ड्रॉबैक बैक हो गई है किसको? आपके इंपोर्टर आदमी को, क्योंकि उसने क्या कर दिया है? एक्सपोर्ट कर दिया है। तो सर इज एक्सपोर्ट इज द ओनली रीजन ऑफ गेटिंग ड्यूटी ड्रॉबैक? हाँ भाई हर्ष, मतलब पराग, इज द एक्सपोर्ट इज द ओनली रीजन फॉर गेटिंग ड्यूटी ड्रॉबैक?
यस, ड्रॉबैक का, ड्यूटी ड्रॉबैक का और कोई रीजन ही नहीं है। अगर आपने मंगवाया गुड्स, उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी दे दी और ड्यूटी ड्रॉबैक उस पर सिर्फ और सिर्फ जब मिलेगा जब उसको वापस से आप एक्सपोर्ट कर दोगे। तो सर ड्यूटी ड्रॉबैक क्या 100% मिल जाएगा? नहीं बच्चों, ड्यूटी ड्रॉबैक आपको 100% नहीं मिलेगा। अगर आपने गुड्स मंगाया और ऐसे के ऐसे उस पर एक्सपोर्ट कर दिया तो भी मैक्सिमम ड्यूटी ड्रॉबैक कितना मिलेगा? 98% मिलेगा। 2% गवर्नमेंट आपकी ड्यूटी खा जाएगी। क्यों खा जाएगी सर? गवर्नमेंट बोलती है हमने इतने सारे कस्टम डिपार्टमेंट लगाया, एक बार कलेक्ट किया, एक बार उसको दोबारा दिया, तो कस्टम ऑफिसर की तो फीस लग गई ना, इसलिए 98% का ही आपको ड्यूटी का ड्रॉबैक करके मिलेगा। ठीक, एग्जांपल दे रखा है कि अगर आपने 115,000 का ड्यूटी दी थी सर, ड्यूटी का उसकी दोनों मिला के बच्चों इंपॉर्टेंट बात है लिख लो चाहे तो, यहाँ पे कौन सी ड्यूटी? बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस IGST। IGST भी देते हैं इंपोर्ट पे जब वो आपके कस्टम विभाग वालों को ही जाती है। ऐसे कैसे सर, वो तो GST डिपार्टमेंट को जाने चाहिए। अरे विभाग तो एक ही है ना, CBIC। तो जब अपन इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी देते हैं और साथ साथ पे IGST भी देते हैं, तो दोनों की BCD और IGST दोनों किसको चली जाती है? कस्टम विभाग वालों को चली जाती है। और आपने वो एक अमाउंट किस कस्टम विभाग वालों को चला गया, अब आपने क्या किया उस गुड्स को, क्या कर दिया? एक्सपोर्ट कर दिया। तो अब आपको क्या मिलना चाहिए? ड्यूटी का ड्रॉबैक मिलना चाहिए। ध्यान से अभी कुछ GST के रिफंड चैप्टर से कनेक्ट कर दूंगा हर्ष, अभी इसको GST के रिफंड वाले चैप्टर से कनेक्ट कर दूंगा। और अभी अपन ने रिफंड चैप्टर सीखा है ना, उसमें ड्यूटी ड्रॉबैक का कुछ पॉइंट था, ध्यान से सुनो। तो आपने कुछ अमाउंट दिया है, दोनों अमाउंट किसके पास चले गए? कस्टम ऑफिसर के पास चले गए। कौन कौन से अमाउंट? BCD का और IGST का चले गए। आपने उस गुड्स को क्या कर दिया? अल्टीमेटली एक्सपोर्ट कर दिया। तो आपको पूरा अमाउंट वापस मिलना चाहिए या बेसिक कस्टम ड्यूटी वापस मिलनी चाहिए? सर IGST भी इसलिए लग रहा था क्योंकि इंडिया में गुड्स आपको यूज कर रहे थे। आपने GST वाले चैप्टर में सीखा था अगर प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया हो गई तो उस पर फिर अपन GST भी कलेक्ट नहीं करते। तो ना इस पर बेसिक कस्टम, ना इस पर कस्टम लगना चाहिए था, बेसिक BCD ना IGST। तो मतलब इसको दोनों का रिफंड मिलना चाहिए क्या सर? हाँ सर, दोनों का रिफंड मिलना चाहिए। तो ये ड्यूटी ड्रॉबैक में इसको दोनों का रिफंड मिल जाएगा। वो रिफंड कितना होगा? 98%। अगर इसने 115,000 की BCD प्लस IGST दी थी तो उसको 112,700 रुपये का क्या मिल जाएगा? रिफंड मिल जाएगा। और GST के रिफंड वाले चैप्टर में अपन ने सीखा था कि अगर ड्यूटी ड्रॉबैक मिल गया है तो आपको GST में रिफंड नहीं मिलता। सीखा था नहीं सीखा था? हाँ सर, वही सीखा था। तो सर ड्यूटी ड्रॉबैक सिर्फ कस्टम ड्यूटी के नहीं है, IGST का भी है सर। ये देखो, ये देख रहा था IGST का। समझ में आता है मेरे बच्चों? हाँ सर, बहुत बेहतरीन समझ में आता है। आपकी ये क्लासेस लगी नहीं थी रिविजन क्लासेस, आप तो लग रहा है मेन क्लासेस पढ़ा रहे हो। हाँ सर, छोड़ूंगा तो मैं इसमें भी कुछ नहीं, जल्दी पढ़ा के चलूंगा। आपकी क्वेरी पर टाइम कम दूंगा और कोर्स कवर पर ज़्यादा ध्यान दूंगा और थोड़ा सा स्पीड में रहूंगा। एक्सपोर्ट ऑफ यूज, एक्सपोर्ट आफ्टर यूज, मतलब एक्सपोर्ट आफ्टर यूज, हमने भारत से माल मंगाया, बेसिक कस्टम ड्यूटी दी, IGST दी, भारत में उसका माल को यूज भी लिया। मतलब सपोज करो कार मंगवाई, फरारी पे हमने BCD भी दे दी, IGST भी दे दिया, फरारी को इंडिया में एक साल चलाया भी, फिर हमारा मन भर गया और हमने उस फरारी को फिर चाइना में एक्सपोर्ट कर दिया। तो अब भी हमें जो हमने BCD और IGST दी थी उसका रिफंड मिलना चाहिए क्या? सर मिलना तो चाहिए, पर क्योंकि आपने इंडिया में इसको एक साल चलाया भी इसलिए रिफंड का अमाउंट थोड़ा कम हो जाना चाहिए, ड्यूटी ड्रॉबैक का अमाउंट थोड़ा कम हो जाना चाहिए। इसलिए जितना साल चलाया, ये आगे सीखेंगे ड्यूटी ड्रॉबैक वाले चैप्टर में कि 95% का मिलेगा, 85% का मिलेगा, 70% का मिलेगा और कभी भी कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब एक टाइम पीरियड के बियॉन्ड इतने साल तो आपने इंडिया में वो गाड़ी चला दी, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट करी भी तो भी कुछ भी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। ये एक ऐसे महीने में डिवाइड है जो अभी अपन सीखेंगे ड्यूटी ड्रॉबैक वाले चैप्टर में। आज तो अपन सिर्फ क्या लेके चल रहे हैं? ओवरव्यू और बेसिक हेलीकॉप्टर व्यू लेके चल रहे हैं। सर ठीक है, ये दो बातें तो समझ में आ गई। हमने मंगाया बाहर से, बैंकॉक जानते हो, बैंकॉक थाईलैंड से हमने मंगाया रबड़ ट्री बहुत है वहाँ पे, थाईलैंड से हमने मंगवाया रबर। और रबर को क्या किया? इंडिया में प्रोसेस किया। रबर प्लांट को हमने क्या किया? हमारे यहाँ पे एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री को रबर पे प्रोसेस किया और टायर बना दिए MRF के, बढ़िया MRF के टायर बना दिए उस रबर से। और वर्ल्ड वाइड MRF का काम क्या है? पूरे वर्ल्ड वाइड है, लो एक्सपोर्ट कर दिया उठा उठा के, कभी ऑस्ट्रेलिया कर दिया, कभी चाइना कर दिया, कभी USA कर दिया। अरे बढ़िया एक्सपोर्ट कर दिया उस टायर को। तो एक बार बताओ, जब रबड़ इंडिया में मंगाया होगा बेसिक कस्टम ड्यूटी दी होगी क्या? IGST दिया होगा क्या? सर बिल्कुल दिया होगा। तो सर अब ये माल का फॉर्म ही बदल गया, रबड़ मंगाया था टायर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब रिफंड देंगे कैसे? माल का फॉर्म ही चेंज हो गया। तो इसमें क्या लगती है? ऑल इंडस्ट्री रेट लगती है, ऑल इंडस्ट्री रेट की आपको ड्यूटी का ड्रॉपअप मिलेगा। मिलकर इसमें भी चलेगा, पर इसमें 98% वाला फॉर्मला नहीं लगा पाएंगे बच्चों, 90, 75, 80 ये वाला फॉर्मला नहीं लगा पाएंगे। इसमें क्या लगाना पड़ेगा आपको? ऑल इंडिया रेट वाला फॉर्मला लगाना पड़ेगा। सर ऑल इंडिया रैंक थोड़ी ना है सर, ये ऑल इंडस्ट्री रेट है, सॉरी आई से इंडस्ट्री है, इंडिया नहीं है, मैंने गलत बोल दिया, ऑल इंडस्ट्री रेट है ये। ऑल इंडस्ट्री रेट देखनी पड़ेगी कि भैया रबड़ अगर मंगाते हैं तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है, उसका अगर टायर बन गया तो क्या, इरेजर बन गया तो क्या? तो ऑल इंडस्ट्री रेट होगी कि इतनी रेट, अगर ये वाला माल इस चीज में मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस हुआ है तो उसको ऑल इंडस्ट्री रेट लगा के उसका रिफंड दे दिया जाता है। समझ में आ रहा है सर?
बच्चों समझ में आ रहा है सर? बिल्कुल समझ में आ रहा है। देखो रबड़ एग्जांपल भी ये लगा, रबड़ का इंपोर्ट किया और उसका टायर बना दिया। और भी बन सकता है क्या सर? इरेजर बन सकता है और वो इलास्टिचेबल रबड़ बन सकते हैं और रबड़ की और भी चीज़ें बन सकती है यार। ठीक, कुछ भी बना दिया, चाहे टायर बना दीजिए, इरेजर बना दीजिए, बाकी वो रबड़ बना दिए, तो ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होगा? बिल्कुल ड्यूटी का ड्रॉबैक तो मिलेगा पर नोटिफाइड रेट से। वो नोटिफाइड रेट क्या है? ये रहा ऑल इंडस्ट्री रेट, ये लिखा कि ऑल इंडस्ट्री रेट उसकी नोटिफाइड रेट्स मिलेगी। ठीक है, तो डायग्राम में सब कुछ कवर है क्या? हाँ सर बच्चों, डायग्राम में ही सब कुछ कवर है। आगे बढ़े, IGST भी मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वापस से कन्फ्यूजन अगर किसी को हो तो कल यहाँ पे क्लियर हो जाए कि ड्यूटी ड्रॉबैक में दोनों अमाउंट शामिल हैं। कौन कौन से? आपके BCD भी और IGST भी। क्यों सर दोनों के शामिल है? क्योंकि कस्टम्स विभाग के पास दोनों ही गए होंगे। जब उसने टैक्स कलेक्ट किया होगा तो IGST छोड़ दिया होगा क्या सर? नहीं सर, IGST भी लिया होगा और BCD छोड़ दिया होगा सर? नहीं, BCD भी लिया होगा। तो जब ड्रॉबैक करेगा तो दोनों का ही ड्रॉबैक करेगा क्या? हाँ, दोनों को ही वापस देगा। तो सर दोनों यहाँ पे दे दिया तो मतलब IGST का रिफंड यहाँ पे मिल गया। तो फिर IGST का रिफंड अपन रिफंड वाले चैप्टर GST वाले चैप्टर में मांग लेंगे। वहाँ पे मना कर रखा है कि ड्यूटी ड्रॉबैक अगर आपको मिल गया IGST का भी कस्टम विभाग से तो आप यहाँ पे रिफंड मांगने मत आ जाना। सर ये है आपका ट्रांसिट एंड ट्रांसशिपमेंट। सर इसका भी वैसे तो चैप्टर क्या है अलग से है, पर ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट मैं आपको सिखा देता हूँ। जब गुड्स बाहर से इंडिया में आया, जब गुड्स बाहर से इंडिया में आया और मुंबई कस्टम पोर्ट पे शक्ल दिखा के गोवा की तरफ मूव कर गया और शिप चेंज नहीं हुआ, यही शिप आया लेडी इन ब्लू। सर कहाँ से लाए ये नाम? अरे ब्लू पिक्चर थी ना वो अक्षय कुमार की, उसमें वो लेडी ब्लू डूब जाता है उनका। ठीक, तो मैं तो वहाँ से लाया नाम, मेरे को तो यार नहीं था। तो लेडी इन ब्लू में माल आया और मुंबई कस्टम पोर्ट पर शक्ल दिखा के गोवा पोर्ट की तरफ चला गया। तो क्या है ये? गुड्स इन ट्रांजिट है, ट्रांसशिपमेंट नहीं है। ट्रांसशिपमेंट क्या होगा? जब ट्रांसफर ऑफ शिप हो जाए। ठीक, कभी कभी क्या होती है, बड़ी बड़ी वेसल मदर वेसल आती है और वो बोलती है हम तो छोटे मोटे पोर्ट पर नहीं आएंगे, गोवा का पोर्ट छोटा पोर्ट है, तो हम तो आपका माल गोवा के इंपोर्टर को बोलते हैं, हम तो आपका माल मुंबई कस्टम पोर्ट पे छोड़ देंगे, वहां से आप दूसरा शिप कर लेना और फिर वहां से आपका माल आ जाएगा। उसको क्या कहेंगे? गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट। जब शिप ही चेंज हो जाए उसको क्या बोलेंगे? गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट। और जब सेम शिप रहे पर कस्टम पोर्ट डिफरेंट डिफरेंट टच करके आए उसको क्या बोलते हैं? गुड्स इन ट्रांजिट। सर और अच्छे से समझाओगे क्या? अरे बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे, इसका तो चैप्टर आएगा, हर एक का चैप्टर आएगा, ड्यूटी ड्रॉबैक का चैप्टर आएगा, गुड्स इन ट्रांजिट ट्रांसशिपमेंट का चैप्टर आएगा। अभी तो आपको ओवरव्यू देके चल रहा हूँ। ठीक है, हाँ सर ठीक है, फटाफट से आगे बढ़ जाओ फिर। ठीक है, अब कुछ भी नहीं है, अब आ जाते हैं डेफिनेशन वाले चैप्टर। ये गुड्स एंड ट्रांसशिपमेंट और ट्रांजिट का थोड़ा सा ज़्यादा बखान कर रखा है, मेरे को लगता नहीं है कि इनिशियल स्टेज पे इतना एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। ये एक्सप्लेनेशन की जरूरत आपको कब पड़ेगी? जब अपन एक्चुअल इसके चैप्टर में आ जाएंगे, जब मैं तेरे को आपको सभी बच्चों को मेरे सारे दोस्तों को प्यारे प्यारे दोस्तों को गुड्स एंड ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट तब समझा के चलूँगा। हाँ सर, तो मज़ा आ रहा है? हाँ सर मज़ा आ रहा है। मेरे से मिलने में मज़ा आता है या नहीं आता आपको? या फिर बस पढ़ाओ और निकलो, इतना ही मतलब है सर आपसे? झूठी बोल देना, दिल मत तोड़ना मेरा। सर तोड़ेंगे, बिल्कुल पढ़ाओ और निकलो यहाँ से, इससे ज़्यादा मैं किसी से मतलब नहीं, होना भी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। इससे ज़्यादा तुम्हें किसी से मतलब होना भी नहीं चाहिए, अपनी पढ़ाई से मतलब रखो, बस वही काम में आएगी तुम्हारे। ठीक है, और क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं तो काम वाली चीज़ ही होगी ना तुम्हारे। हाँ सर, डेफिनेशन वाले चैप्टर में आ जाते हैं। आ गए सर, आ गए, पहले ही आ गए। अब सर डेफिनेशन में समझा दो आप, डेफिनेशन क्या क्या होती है? सर डेफिनेशन की इंपॉर्टेंस है क्या? सिर्फ इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजीज होगी ना, वही डेफिनेशन अपन कवर करके चलेंगे। सबसे पहले आता है असेसमेंट। असेसमेंट तीन तरह का हो सकता है बच्चों, लिख लो यहाँ पे, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, दूसरा आपका रीअसेसमेंट और तीसरा आपका प्रोविजनल असेसमेंट। ठीक, असेसमेंट तीन तरह का हो सकता है। असेसमेंट का मतलब क्या है हिंदी में बोलूँ तो? डिटरमाइन, नहीं इंग्लिश में बोलूँ तो डिटरमाइन द टैक्स लाइबिलिटी ऑन इम्पोर्टेड या एक्सपोर्टेड गुड्स। टैक्स की लाइबिलिटी का पता लगाना उसको कहते हैं असेसमेंट। या तो खुद पता लगा लो, या डिपार्टमेंट को पता लगाने दो, या फिर कच्चा पक्का पता लगा लो, ना तुम ना डिपार्टमेंट, ना तुम फाइनलाइजेशन पहुंचे ना डिपार्टमेंट, प्रोविजनली असेस करके चल रहे हैं उसकी ड्यूटी कितनी मिलती है। ठीक सर, ये प्रोविजनल असेसमेंट हमने GST में सीखा था। हाँ हाँ, जब भी ड्यूटी का अमाउंट कच्चा पक्का हो जाएगा, पता नहीं होगा कि भैया इस पे एक्चुअली इंपोर्ट ड्यूटी या GST कितना लगना है, तब तक उसको क्या करेंगे? प्रोविजनली असेस करके चलेंगे, उस ड्यूटी को क्या बोलेंगे? प्रोविजनल असेसमेंट बोलेंगे। असेसमेंट मतलब टू डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी ऑन द इंपोर्टेड गुड्स, मतलब गुड्स पे आपकी कितनी ड्यूटी बनती है वो पता लगाना। ठीक है, पढ़े? हाँ सर, एक बार रीडिंग फटाफट से। डिटरमिनेशन ऑफ अ ड्यूटेबल ड्यूटीबिलिटी ऑफ ऑन ऑफ एनी गुड्स। सर गुड्स ही क्यों लिख रखा है, सर्विस क्यों नहीं रखा? अरे क्योंकि कस्टम लगता ही सिर्फ गुड्स पे है। एंड एनी अमाउंट ऑफ ड्यूटी टैक्स सेस और एनी अदर सम सो पेबल इफ एनी। तो मतलब असेसमेंट में क्या पता लगाया जा सकता है? ड्यूटी टैक्स सेस एनी अदर अमाउंट पेबल ऑन गुड्स, वो सारा असेसमेंट का पार्ट ही है अंडर दिस कस्टम टैरिफ एक्ट। क्योंकि रेटे तो कहाँ लिखी हुई है? टैरिफ एक्ट 1975 में लिखी हुई है। ठीक है,
विथ रेफरेंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सच गुड्स, मतलब कैसे पता लगाया जाएगा, असेसमेंट कैसे किया जाएगा, देखेंगे गुड्स आया क्या है, वैल्यू क्या है उस गुड्स की, ठीक, कोई कंसेशन वगैरह है, कोई एग्जम्पशन है उस गुड्स पे या नहीं है, तो ये सारा असेसमेंट का जो पार्ट है। हाँ सर बिल्कुल, असेसमेंट का सर उस पर वैल्यू वाइज आपकी जीएसटी लगे, कस्टम ड्यूटी लगेगी या क्वांटिटी वाइज, जैसे कि शेविंग ब्रश आती है ना आपकी, उस पर वैल्यू वाइज नहीं लगती, उस पर क्वांटिटी वाइज लगती है। अगर वैल्यू हो सकता है उसकी 5,000 की, 10,000 की, 100 रुपये की हो, उस पर 20 रुपये पर ड्यूटी, पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 20 रुपये पर एक पीस पर हम 20 रुपये ड्यूटी लगेंगे, तो ये क्वांटिटी वाइज ड्यूटी हो गई ना। हाँ सर, तो असेसमेंट वैल्यू वाइज होगा या क्वांटिटी वाइज होगा, ये भी असेसमेंट का तो पार्ट है, या वेट वाइज होगा या वॉल्यूम वाइज होगा, ठीक, ये सारा असेसमेंट में पता लगाया जाता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते जाओ। ठीक है बच्चों, इंडिया, इंडिया क्या है, मैंने आपको जीएसटी कसम शुरू होने से पहले बता दिया इंडिया क्या है, अब मैं अलग से इसकी डेफिनेशन नहीं बता रहा। इंडियन टेरिटरी वाटर 12 न्यूटिकल माइल्स तक क्या है आपका, इंडियन टेरिटरी वाटर, ये भी मैंने आपको बता चुका। इंडियन कस्टम वाटर सर ये भी बता चुका, 200 न्यूटिकल माइल्स तक क्या है आपका इंडियन कस्टम वाटर। ठीक है, इंपोर्ट क्या है, इंडिया से बाहर से, सर इंडिया क्या है, अगर ये इंडिया है और ये भी 12 न्यूटिकल माइल्स तक इंडिया ही है, यहाँ से 12 न्यूटिकल माइन, अगर ये इंडिया ही है तो इंडिया के बाहर से, ये इंडिया का बाहर हो गया क्या, हाँ सर इंडिया के बाहर से इंडिया में आना, सर यहाँ पे आना नहीं, इंडिया में आना, क्योंकि ये तो टेरिटरी वाटर ऑफ इंडिया जैसे ही लगा वो इंडिया ही हो गया। इंडिया के बाहर से इंडिया में आने को क्या बोलेंगे, इम्पोर्ट बोल देंगे, जरूरी नहीं है गुड जहाँ तक पहुँचा जाए तभी उसको इम्पोर्ट बोलेंगे, यहीं पर ही उसको क्या बोल दिया जाएगा, इम्पोर्ट बोल दिया जाएगा। ठीक है, यहीं पर वो गुड्स क्या हो गए, इम्पोर्टेड गुड्स हो गए, जैसे वो उन्होंने 12 न्यूटिकल माइन्स के अंदर कदम रखा, ठीक, उसको क्या बोल दिया जाएगा, इंपोर्टेड गुड्स बोल दिया जाएगा। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ फटाफट। इंपोर्ट विद मीन ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया ये है, इंडिया ये है, ठीक है, आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आते को क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया आपका, सेक्शन 223 के अकॉर्डिंग। आगे चलो, लो स्टोर्स क्या होते हैं, लो कई बच्चों को लगता है सर कि सिर्फ गुड्स का इंपोर्ट ही या गुड्स का एक्सपोर्ट ही, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के दायरे में आता है, स्टोर्स तो अलग ही चीज़ है, स्टोर इंपोर्ट या गुड्स के, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के दायरे में नहीं आता, पहले तो ये सीखो स्टोर्स क्या आता है। एक शिप खड़ा है, शिप खड़ा है मेरा, पोर्ट पे खड़ा है मेरा, मुंबई कस्टम पोर्ट में मैं कस्टम ऑफिसर बन गया SSC का पेपर देके, और देख शिप देख रहा हूँ कि एक शिप खड़ा है मेरा मुंबई कस्टम पोर्ट पे। अब उस शिप से मैंने जानकारी ली, एक सेकेंड, हाँ उस शिप से मैंने जानकारी ली, तो मैंने पूछा क्या लेके जा रहा है भाई, तो आपका पपाया वाला है कार्टून वाला कंडक्टर आया और बोला अरे सर मैं तो लेके जा रहा हूँ कुछ कुछ, तो ये लेके जा रहा हूँ कुछ, टायर लेके जा रहा हूँ, कुछ आपके लैपटॉप वगैरह लेके जा रहा हूँ, ऐसे मतलब 8-10 तरह का उसने मेरे को डेफिनेशन दे दी। मैं अच्छा, मैं और इस डब्बे में क्या रखा है, बोले इसमें से सर पेट्रोल है, पेट्रोल डीजल जो भी, मैं ये क्यों लेके जा रहा है, बोले सर ये तो मैं बाहर बेचूंगा नहीं, ये तो क्या अगर रस्ते में शिप में किसी भी वजह से हो सकता है, तूफान आ गया तो एवरेज कम दिया शिप ने, पेट्रोल ज़्यादा लग गया, वैसे तो टंकी फुल करके लेके जा रहा हूँ, फिर भी टंकी क्या है एक बार में, इतनी बड़ी टंकी नहीं है कि वहाँ तक पहुँच जाए, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, फिर कई बार एवरेज कम की वजह से, पर मैं रस्ते में फिर कहाँ से पेट्रोल लूँगा, तो इसलिए मैं पेट्रोल भी यहीं से लेके जा रहा हूँ। अच्छा, तैयारी आगे तक की है तेरी, बोले हाँ तैयारी आगे तक की, सोच के चलते हैं, और मैं ये इन बोरियों में क्या रखा है, बोले सर इसमें खाने पीने का सामान रखा है, मैंने ये भी बाहर छोड़ के आए, बोले नहीं सर रस्ते में हम क्या खाएंगे पिएंगे, तो मतलब कुछ रस्ते के सामान भी लेके जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्टोर्स बोलते हैं, मीन्स गुड्स फॉर यूज इन अ वेसल, है ना, और एयरक्राफ्ट एंड इंक्लूड फ्यूल स्पेयर पार्ट्स, अगर कुछ खराब हो गया मोल्ड ड्राइज लेके जा रहा है अलग से, एंड अदर आर्टिकल इक्विपमेंट वेदर इज नॉट फॉर इमीडिएट फिटिंग, मतलब चाहे वो काम में आए चाहे ना आए, मतलब वो पेट्रोल चाहे काम में आए चाहे ना आए, वो अलग से स्पेयर पार्ट्स लेके जा रहा था, अगर शिप में यही चीज खराब हो गई तो कहाँ से आएगी बीच में, इसलिए स्पेयर पार्ट्स लेके जा रहा था, चाहे शिप खराब हुआ चाहे नहीं हुआ तब भी वो स्टोर्स कहा जाएगा, और स्टोर्स को भी एक्सपोर्ट कहा जाएगा, अगर आपने स्टोर्स को एक्सपोर्ट किसी शिप में दिया है तो उसको एक्सपोर्ट भी कहा जाएगा, उस पर सारे एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, और आपने स्टोर्स किसी शिहाज में लग के आए हैं तो उसको इंपोर्ट कहा जाएगा, उसको उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लेवी हो जाएगी, स्टोर्स पे भी, हाँ सर स्पोर्ट्स पे भी। आपने बोला सर आपका कस्टम सिर्फ और सिर्फ लगता है गुड्स के केस पे, सर्विस के केस में नहीं लगता, तो सर फिर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई ये डेफिनेशन कि गुड्स होते क्या हैं, अगर वो गलती से सर्विस कंसीडर हो गया तो उस पर कस्टम का कंट्रोल ही नहीं आएगा, उस पर BCD लगेगी नहीं, मैंने बोला बिल्कुल सही, तो सर फिर ये बहुत ज़रूरी हो गया गुड्स की डेफिनेशन लिखना, क्योंकि गुड्स अगर डेफिनेशन लिखेंगे और गुड्स की डेफिनेशन लिखते वक्त वो दायरे में आया, उस डेफिनेशन के स्कोप में जो पर्टिकुलर माल आ रहा है वो गुड्स की डेफिनेशन में आया तो उस पर BCD लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, इसलिए गुड्स की डेफिनेशन, भाई डेफिनेशन तो जब भी लिखूंगा ना बड़े ध्यान से लिखूंगा, तो गुड्स की डेफिनेशन लिखते वक्त डिपार्टमेंट ध्यान देती है, ऐसी डेफिनेशन लिखी जाए
कि कोई भी चीज़ इंडिया के बाहर से आए वो गुड्स की डेफिनेशन में कवर हो जाए और हम उस पर BCD ले पाएँ, उस पर कस्टम ड्यूटी ले पाएँ। ठीक, तो गुड्स की डेफिनेशन क्या लिख रही है आपकी सरकार कि गुड्स इंक्लूड्स, इंक्लूड मतलब गुड्स गुड्स तो है ही और ये भी गुड्स में इंक्लूड हुए जा रहा होता है। ये भी गुड्स में ही इंक्लूड होता है। क्या क्या सर? गुड्स इंक्लूड वेसल, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल, मतलब जो जहाज आ रहा है वो खुद गुड्स है। हाँ हाँ, यही लिख रखा है, ध्यान से देखो। मतलब जिस जहाज में माल लोड होकर आया वो माल तो गुड्स है ही, वो जहाज खुद भी गुड्स है क्या? मतलब उस जहाज पे भी आप ड्यूटी ले लोगे? हाँ, यही कह रहा है, अभी तक तो यही कह रहा है। ठीक, गुड्स इंक्लूड वेसल, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल, जिसमें माल लोड होकर आया वो खुद भी गुड्स है। अगर टाइटैनिक में माल लोड होकर आया है तो माल तो गुड्स है ही, माल पे तो ड्यूटी लगेगी लगेगी, उस टाइटैनिक की वैल्यू पे भी ड्यूटी लग जाएगी। अभी तक तो यही कह रहा है, आगे जाके क्लियर करेंगे अभी अपन। आप स्टोर्स ऊपर पढ़ाया जाता है, स्टोर्स भी क्या है? गुड्स है। बैगेज, बैगेज भी क्या है? गुड्स है। बैगेज क्या होता है भाई पराग? बैगेज क्या होता है? जो साथ में लाया जाता है। ठीक, तो अगर पैसेंजर आए हैं टाइटैनिक में, पैसेंजर भर के आए हैं, है ना, क्या नाम था उसका, जॉन नाम था क्या उसका? टाइटैनिक मूवी देखी किसी ने? जॉन ही नाम था क्या उसका जो लास्ट में डूब जाता है? भूल गए सर, मैं भी भूल गया, जॉन ही नाम था शायद तक। ठीक, तो अगर जॉन साथ में, वो हीरा वीरा था ना यार उसमें, वो हीरा लेके आ जाता है साथ में, तो वो बैगेज ही तो हुआ, साथ में लाया हुआ, किसी माल अलग से छुड़वाया नहीं है, जो साथ में लाया जाता है वो क्या है? बैगेज होता है। ठीक, तो बैगेज समझ में आ गया, तो बैगेज भी क्या है आपका? गुड्स ही है। मतलब बैगेज पे भी कस्टम ड्यूटी लगेगी क्या? हाँ सर, कस्टम ड्यूटी लगेगी, क्योंकि गुड्स हो गया। मैंने बोला था इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नहीं चाहिए, पर ड्यूटी तो लगेगी। हाँ, ड्यूटी तो लगेगी। करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब कोई पैसा रख के लाया अपने पास में, तो पैसा भी गुड्स है। हाँ सर, पैसा भी गुड्स है। अभी देखा जाएगा कि इसमें से किसी गुड्स को बाहर निकाल दिया जाएगा, उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, पर गुड्स के डेफिनेशन में तो सबको इंक्लूड करके चल रहे हैं। कोई बाहर से फॉरेन करेंसी, यूरो, डॉलर, पाउंड, कुछ भी, येन, कुछ भी लेके आया है तो वो भी गुड्स की डेफिनेशन में तो कवर हो गया। आगे एनी काइंड ऑफ अदर मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कुछ ऊपर छूट रहा हो तो अदर में डिक के डाल दो सारे को। एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज ऑल्सो गुड्स। ठीक है ना, ये बॉम्बे हाईकोर्ट का जलयान उद्योग में कोई केस आया था, इसमें क्या बोला कि अगर वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल आ रहे हैं एज ए कन्वेंस यूज हो रहे हैं ना मेरे बच्चों, क्या एज ए कन्वेंस, मतलब ये माल ढोने के लिए काम में आ रहे हैं तो ये गुड्स नहीं है। पर एक शिप में शिप ही लोड होके आ रहा है, छोटा शिप लोड होके आ रहा है, बोट लोड होके आ रही है, तो फिर वो गुड्स है क्या? बड़ा शिप जो उन छोटी शिपों को लेके आ रहा है, तो बड़ा शिप तो गुड्स नहीं है क्योंकि वो एज ए कन्वेंस यूज हो रहा है, पर वो छोटी छोटी शिप्स गुड्स हैं क्या? हाँ, वो छोटी छोटी शिप्स गुड्स हैं। पढ़ लो एक बार, इवन दो द वेसल इज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ गुड्स, बट इफ द वेसल एंटर इनटू अ टेरिटरी वाटर इंडिया मेरली एज अ कन्वेंस, देन इट कैन नॉट बी सजेस्टेड, देन इट कैन नॉट बी सजेस्टेड दैट वेसल वॉज इंपोर्टेड एंड अकॉर्डिंगली नो क्वेश्चन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी। समझ में आता है बच्चों? हाँ सर, मतलब जो ऊपर अपन ने पढ़ा वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल, यहाँ पे लिख लो इफ यूज एज अ कन्वेंस देन गुड्स तो हो गए बट नो इम्पोर्ट ड्यूटी, ऐसे लिखना चाहो तो लिखो। ठीक है? हाँ सर, ठीक है। अब इम्पोर्टेड गुड्स क्या होते हैं? अरे बच्चों, इम्पोर्टेड गुड्स वही है ना जो इंडिया के बाहर से इंडिया में आए हैं। इम्पोर्टेड गुड्स मीन एनी गुड्स ब्रॉट इन टू इंडिया फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड विच हैव बीन क्लियर फॉर होम कंजम्पशन। ठीक है, जो गुड्स एक बार होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करा जा चुके उन पे से इम्पोर्टेड गुड्स का टाइटल हट गया, जब तक वो कहाँ है? वेयर हाउस में, कस्टम एरिया में पड़े हैं, जब तक ही वो क्या है आपके इम्पोर्टेड गुड्स हैं। कोस्टल गुड्स क्या होते हैं? कोस्टल गुड्स वो हैं बच्चों जो इंडिया में आ तो गए, मतलब इंडिया में आ तो गए पर अभी भी उन पे ड्यूटी लेवीबल होना बाकी है, मतलब ड्यूटी लेवीबल ही नहीं होती, सॉरी ड्यूटी लेवी ही नहीं होती, उनको क्या कहते हैं? कोस्टल गुड्स कहते हैं, सॉरी, मतलब या तो लेवी होती है और पेड हो चुकी है, वो भी कोस्टल गुड्स हुए, या लेवी ही नहीं होती। सर कुछ कुछ तो एग्जेम्पशंस भी है ना, मुंबई से गोवा माल आया है तो क्या इस गुड्स पे ड्यूटी लेवी होती है? नहीं सर, बाहर से माल आया नहीं, इंडिया से इंडिया में माल आया। तो अब जो गुड्स जो कोस्टल पे पड़े हैं, जो कोस्टल गुड्स हुए, ड्यूटेबल गुड्स हुए, सर ये कोस्टल गुड्स हुए क्योंकि इन पे ड्यूटी लेवी ही नहीं होती, और लेवी होती है तो पे हो चुकी है, तो कोस्टल गुड्स हुए, या तो लेवी होती है और पे हो चुकी है, या लेवी ही नहीं होती। लिख लो हिंदी में, लिख लो बिल्कुल, या तो लेवी ही नहीं होती या लेवी होकर पे हो चुकी है ड्यूटी, या तो लेवी नहीं होती या ड्यूटी लेवी तो थी पर पेड हो चुकी है, उन दोनों गुड्स को क्या कहेंगे? आपके कोस्टल गुड्स कहेंगे। ड्यूटेबल गुड्स की गुड्स ड्यूटी लेवी भी होती है, अभी तक पे भी नहीं हुई है। हिंदी में लिखो फटाफट, ड्यूटेबल गुड्स कौन से होते हैं? जिन पे ड्यूटी लेवीबल भी है, लेवी भी है और अभी तक पे भी नहीं हुई है। ठीक है? हाँ सर, ठीक। चलो आगे चलो।
डेफिनेशन ही पढ़ेंगे क्या? हाँ सर, आज डेफिनेशन पढ़ा के आपको रवाना कर देंगे। प्रोहिबिटेड गुड्स, प्रोहिबिटेड गुड्स को यहाँ पे दो, प्रोहिबिटेड गुड्स के आगे दो हाथ निकाल दो, इसके फ्लो चार्ट बना लो, एक में लिख दो एब्सोल्यूट प्रोहिबिट, एक में लिख लो कंडीशनल प्रोहिबिटेड। एब्सोल्यूट प्रोहिबिटेड मतलब जिसका मना है मंगा ही नहीं सकते। अरे एब्सोल्यूटली मना है, कोई शर्त ही नहीं है, कोई कंडीशन ही नहीं है, मना है तो मना है, नो मीन्स नो, ठीक, नो मीन्स नो, मंगा ही नहीं सकते, ऐसे गुड्स हैं प्रोहिबिटेड गुड्स हैं, ना इंडिया में आ सकते हैं ना जा सकते हैं इंडिया से बाहर, ठीक। और कंडीशनल प्रोहिबिशन क्या होता है? कंडीशनल प्रोहिबिशन ये होता है बच्चों कि अगर कुछ कंडीशन पूरी हो जाए तो ये गुड्स इंपोर्ट किए जा सकते हैं, मतलब सब्जेक्ट टू सब सर्टेन कंडीशंस, ठीक है सर। प्रोहिबिटेड मीन्स क्या लिख रखा है? एनी गुड्स द इंपोर्टर और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ विच सब्जेक्ट टू एनी प्रोहिबिशन अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइम बिंग इन्फोर्स। अगर किसी भी टाइम बिंग, थोड़े टाइम के लिए भी उस पर अगर रोक लगा दी तो वो क्या हो गया? एब्सोल्यूट प्रोहिबिटेड हो गए। और कंडीशनल है तो कंडीशनल भी हो सकते हैं, यहाँ पे इतना नहीं बताया जा रखा, ठीक है ना। ये एक्सक्लूडिंग में कंडीशनल प्रोहिबिटेड ही है, देखो एक्सक्लूडिंग एनी सच गुड्स इन रेस्पेक्ट विच स्पेसिफिक कंडीशन हैव बीन कंप्लाइड, मतलब ये कंडीशनल हो गया ना, लिख लो लो यहाँ पे लिख लो, ये हो गए एब्सोल्यूट प्रोहिबिटेड, ये हो गए कंडीशनल प्रोहिबिटेड, लो लिख लो, ऐसे समझ में आए तुम्हें अच्छे से। इंपोर्टर कौन है सर? अच्छा सर आप क्या समझते हो हम इतने घोचू बच्चे हैं कि हमसे आपको इंपोर्टर सीखने की जरूरत पड़ेगी? अरे मैं वादा कर रहा हूँ, हो तुम अपने आप को इतना स्मार्ट पर समझो, तुम हो तुम पागल? सर नहीं है। अच्छा चलो सिर्फ हो जाए, मेरे यहाँ पे पराग बैठा है, पराग से टेस्ट हो जाता है। अच्छा ठीक है, ए बी सी डी चार तरह के आदमी हैं। देखो अगर तुम जीत गए तो मैं मान लूँगा कि तुम घोचू नहीं थे, है ना, और अगर तुम हार गए तो भैया फिर तो जो मेरी धारणा है ना, कोई अजम्पशन है मेरी तुम्हारे बारे में, सही निकल जाएगी, तो कोशिश करना जीतने की, है ना भैया। सारे बच्चों की जिम्मेदारी पराग पे, ठीक 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 है। तो अब ये तुम्हारा क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है कि तुम घोचू हो या नहीं हो। तो पराग से अपन क्वेश्चन पूछते हैं, पराग भाई ए बी सी डी चार तरह के आदमी हैं, एक्चुअल इंपोर्ट किसने किया है? ए ने किया है, पर ए ने माल आते आते किसको बेच दिया? बी को बेच दिया। बी ने किसको बेच दिया? सी को बेच दिया। सी ने किसको बेच दिया? डी को बेच दिया। अभी तक माल कहाँ पड़ा है? कस्टम वेयर हाउस, कस्टम के कंट्रोल में ही पड़ा है। डी आदमी गया और माल को क्लियर कराने गया, है ना, और बोला कि तुम्हारी इंपोर्ट ड्यूटी कितनी होती है बता दो, तुम्हारा आईजीएसटी कितना होता है बता दो, मैं पे करने को तैयार हूँ। तो डिपार्टमेंट ने पूछा तू कौन? माल तो ए ने मंगाया था हमारे अकॉर्डिंग। बोले हाँ, ए ने बी को भेज दिया, बी ने सी को भेज दिया, अब मैं अल्टीमेटली माल छुड़ाने में आया हूँ, अब मैं अल्टीमेटली ओनर मैं हूँ। तो सवाल ये है मेरा कि ओनर अगर इंपोर्टर हुआ कौन? ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ या डी हुआ, या चारों ही इंपोर्टर हुए? ये भी ऑप्शन में है। अब मेरे को बता दो सर, चारों ही इंपोर्टर हैं, डी इंपोर्टर है या ए इंपोर्टर है? ये मैं पराग से पूछता हूँ। हाँ भाई पराग, तो कौन है आपका इंपोर्टर? डी इंपोर्टर है। पराग कह रहा है डी इंपोर्टर है। ये क्या हुआ? ये तो मैं तुमसे शर्तार्थ में नजर आ रहा हूँ, ठीक, पक्का लॉक कर दिया जाए भैया, तो अड़े गए अपने फैसले पे, है ना। तो बच्चों मुबारकबाद, तुम ही जीते। हाँ, डी ही इंपोर्टर है। तो इंपोर्टर कौन होता है? तो अल्टीमेटली गुड्स को कस्टम विभाग से छुड़वाने जाता है ना, मतलब नहीं है इंपोर्ट किसने किया था, छुड़वाने जो जा रहा है, ड्यूटी जो पे करने जा रहा है, वो हुआ आपका इंपोर्टर, ठीक। तो इंपोर्टर क्या लिख सकते हैं? अल्टीमेटली जो ड्यूटी पे करेगा और गुड्स को रिलीज करवाएगा, कहाँ से? कस्टम डिपार्टमेंट से। इतना लिख लो बच्चों, इतना लिखना तुम्हारे आगे के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा तुम्हारे लिए, है ना। सर आपने तो सही से नहीं लिखा, अरे मैं लिखूंगा तो फिर तो टाइम लग जाएगा ना यार, मैंने बोला बताया तो दिया ना सब कुछ, ठीक है बच्चों। यहाँ पे भी तुम जीते, मैं हारा, कोई बात नहीं, तुमसे हारने में मेरी जीत ही है यार, ये गेम है, तुमसे हारने में मेरी जीत है। एक्सपोर्टर कौन होता है सर? सर एक्सपोर्टर तो वही होगा जो अल्टीमेटली शिपिंग डॉक्यूमेंट फाइल करेगा। ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, सी ने बेचा डी को, और डी अल्टीमेटली एक्सपोर्ट में एंगेज है, सी अल्टीमेटली गुड्स को एक्सपोर्ट करने जा रहा है। तो सी ही आपका डी, सॉरी डी ही आदमी क्या करेगा? एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट फाइल करेगा ना, तो डी हुआ आपका एक्सपोर्टर। और एक्सपोर्ट्स क्या हुआ? एक्सपोर्ट गुड्स क्या हुए? जब मुंबई कस्टम पोर्ट्स पे जैसे ये बॉटल मान लो एक्सपोर्ट की जा रही है, ठीक, इससे पहले भी आप तीन बार पानी पी चुके हैं, हमने देख रही है इसकी शक्ल, हाँ ठीक है, है ना, अभी और भी पीऊँगा, क्या कर लोगे, ठीक है। तो ये है एक्चुअली कि अगर मैंने इस गुड्स को एक्सपोर्ट करने की स्थानीय है, तो ये एक्सपोर्ट गुड्स कब तक है? जब तक ये मुंबई कस्टम पोर्ट पे खड़ा है और उसका शिपिंग डॉक्यूमेंट फाइल हो चुका है, तब तक तो क्या है, ये एक्सपोर्ट गुड है, ध्यान दिया जाए मेरी वर्ड्स पे, एक्सपोर्ट गुड है। और जैसे इसने 12 न्यूटिकल माइल्स को क्रॉस किया, अब ये क्या हो गया? एक्सपोर्टेड गुड्स हो गया, टेड लगा दिया मैंने, एक्सपोर्टेड, यहाँ पे क्या है? एक्सपोर्ट गुड, क्रॉस करते क्या हो गया? एक्सपोर्टेड गुड्स। तो एक्सपोर्ट और एक्सपोर्टेड गुड्स में क्या फर्क है? एक्सपोर्ट गुड वो होता है जिसकी डॉक्यूमेंट शिपिंग बिल फाइल हो चुका है पर उसमें अभी तक इंडिया में ही है, और एक्सपोर्टेड गुड्स क्या होता है? डॉक्यूमेंट तो फाइल हो चुका और इंडिया भी छोड़ चुका, ठीक है। हाँ सर ठीक है,
ये हो गया एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट गुड्स, एक्सपोर्टर, कन्वेंस, कन्वेंस व्हीकल तो आप जानते ही हो, ठीक है ना, जो भी माल ले जाने ले जाने में एंगेज है। अब क्या है, आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है फॉरन गोइंग वेसल की। फॉरन गोइंग वेसल की डेफिनेशन आ रही है, मैं बिल्कुल भी नहीं आपको पढ़ाऊंगा चार्ट से, मैं पढ़ाऊंगा आपको बोर्ड पे ले जाके। फॉरन गोइंग की वेसल की डेफिनेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। फॉरन गोइंग वेसल की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्यों है, क्योंकि अगर कोई जहाज, पहले तो ये जान लो, अगर कोई भी जहाज, ध्यान से लिखना विखना सब बंद, अगर यहाँ पे एक बात भी छूटी तो फॉरन गोइंग वेसल समझ में नहीं आएगा, ठीक, फिर ये कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। और ये तो इंपॉर्टेंट बात है तुम्हें, फॉरन गोइंग वेसल वो है, पहले बात तो ये बात समझ लो, अगर फॉरन गोइंग वेसल को कुछ भी सप्लाई किया तो वो एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में आती है, वो एक्सपोर्ट हो गया। अगर उससे इंपोर्ट उससे एक्चुअली उससे कुछ करेंगे नहीं, तो एक्सपोर्ट के लिए जो थोड़ा जानना जरूरी होता है कि फॉरन गोइंग वेसल क्या है। अगर उससे चलो कुछ ले भी है तो वो इम्पोर्ट हो गया, मतलब नहीं है वो कहाँ खड़ा है, लोकेशन उसकी इंपॉर्टेंट नहीं है सर, मतलब अरे जितना कह रहा हूँ उतना समझते जाओ, एंड में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मतलब सर आपने बोला ये है 12 न्यूटिकल माइंस टेरिटरियल वाटर ऑफ इंडिया, ये है 188 न्यूटिकल माइंस, न्यूटिकल माइंस ये है एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक जोन, है ना, ये कस्टम एरिया तो पूरा का पूरा ही कस्टम वाटर है, इंडियन कस्टम वाटर तो पूरा का पूरा ही है, ठीक है। अगर बच्चों ध्यान से, कोई शिप यहाँ खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है कोई शिप, इसको मैं तवज्जो देना चाहता हूँ, इसको मैं किसका रुख देना चाहता हूँ, फॉरेन गोइंग वेसल का। अगर इसको मैंने फॉरेन गोइंग वेसल डिक्लेयर कर दिया तो इस पे मैं जो भी माल दूंगा ना इंडिया से, अगर इस पे मैं इस जहाज पे जो भी माल चढ़ाऊंगा वो किसकी डेफिनेशन में आ जाएगा, एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में आ जाएगा। तो सर फॉरेन गोइंग वेसल का इसका दर्जा कब मिलेगा, इसको फॉरेन गोइंग वेसल की इसको उपलब्धि कब मिलेगी, है ना, इसको फॉरेन गोइंग वेसल की उपलब्धि जब मिलेगी, जब ये गुड्स ये वेसल है इंटरनेशनल, ध्यान से इंटरनेशनल जर्नी में इन्वॉल्व्ड है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। क्या बोली मैंने, पूरी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर ये डोमेस्टिक जर्नी में ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है तो ये फॉरेन गोइंग वेसल है, तो नहीं है। जर्नी भी इंटरनेशनल होनी चाहिए और पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन भी होना चाहिए, तो ये फॉरेन गोइंग वेसल है। अब ऐसा जहाज कहां भी खड़ा हो, चाहे यहां खड़ा हो, चाहे यहां खड़ा हो, चाहे यहां खड़ा हो, हर जगह ये फॉरेन गोइंग वेसल ही है हमारी दर्जे से, क्योंकि अल्टीमेटली जाना तो इसको इंडिया के बाहर ही है। और इसको जब भी मैं चाहे पेट्रोल दे दूं, चाहे खाने पीने का सामान दे दूं, चाहे इसमें कुछ माल चढ़ा दूं, तो ये माल अल्टीमेटली बाहर ही जाएगा, और बाहर ही जाएगा तो ये फॉरेन गोइंग वेसल हो गया, और फॉरेन गोइंग वेसल हो गया तो इस जहाज से मैंने कुछ भी उतारा है तो वो इम्पोर्ट हो गया, और कुछ भी चढ़ाया है तो वो क्या हो गया, एक्सपोर्ट। खड़ा है चाहे कहीं भी हो, चाहे यहाँ खड़ा हो, चाहे यहाँ खड़ा हो, चाहे यहाँ, समझ में आ गया। तो मतलब फॉरेन गोइंग वेसल का अगर एक बार किसी शिप ने खिताब ले लिया तो उस शिप पे मैंने कुछ भी माल चढ़ाया तो वो मेरी एक्सपोर्ट मेरा हो जाएगा और मेरे को एक्सपोर्ट पे बेनिफिट मिल जाएंगे। एक्सपोर्ट के बेनिफिट होते क्या है सर, अरे रिफंड मिल जाता है ना जीएसटी में, है ना, जीएसटी में जीरो रिलेटेड बोल के रिफंड मिल जाता है ना, हाँ सर मिल जाता है, याद आ गया। तो उसको एक्सपोर्ट से रिलेटेड बेनिफिट मिल जाएंगे, उस सेल को, उस सप्लाई को एक्सपोर्ट से रिलेटेड बेनिफिट मिल जाएंगे। सर और कुछ भी फॉरेन गोइंग वेसल होता है क्या, हाँ सर, वॉर प्रैक्टिसेस के लिए, वॉर प्रैक्टिसेस के लिए यूएस का शिप इंडिया आया, अब इंडिया तो तुम समझ ही गए, ये टेरिटरियल वाटर्स ऑफ इंडिया में आया सर, वो उसको हमने पेट्रोल सप्लाई किया तो वो भी हमने फॉरेन गोइंग वेसल है क्या, हाँ, वॉर प्रैक्टिसेस में जो भी शिप इंडिया में आया तुमने उसको जो पेट्रोल दिया तो उस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, भैया पेट्रोल लगा तुमने बाहर, मान लो उसको कुछ सप्लाई करी है, ठीक, तो उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी, सर उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी क्योंकि वो फॉरेन गोइंग वेसल है, ठीक है, उस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लिया जाएगा, मतलब एक्सपोर्ट पर टैक्स नहीं लिया जाता ना, उससे किसी भी तरह का टैक्स नहीं लिया जाएगा क्योंकि वो एक इंडियन नेवल यूएस का शिप इंडिया में आया है वॉर प्रैक्टिसेस के लिए। तो जब भी कोई वॉर प्रैक्टिसेस के लिए डिफेंस का कोई भी शिप आता है तो उसको फॉरेन गोइंग वेसल का खिताब वैसे ही देके चलते हैं, ठीक है, तो मतलब ना इस पर उसको सेल करेगी, अगर अपन ने उसको मान लो खाने पीने का सामान दे दिया तो उससे जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा कि नहीं सर, नहीं, उसको एक्सपोर्ट ही माना जाएगा, और एक्सपोर्ट माना जाएगा तो उस पर जीएसटी नहीं लिया जाएगा, अल्टीमेटली उसको एक्सपोर्ट बेनिफिट मिल जाएंगे, ठीक है। तो फॉरेन गोइंग वेसल समझ में आ गया, हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया, फॉरेन गोइंग वेसल भी थोड़ा सा और क्लियर करोगे तो सर मजा आएगा सर, ठीक है। एक बात बताओ, हाँ भाई पराग, ये इंडिया है, इंडिया में कोई
एक तो छोटे मोटे मछुआरे होते हैं जो नाव लेके पानी में जाते हैं और मछली पकड़ के शाम को वापस आ जाते हैं, और एक बड़ा शिप वाला है, बहुत बड़ा शिप तो नहीं है पर ठीक ठाक है, नाव से थोड़ी बड़ी है, वो अपना शिप लेके टेरिटरी वाटर इंडिया में ही तक है, उस शिप को पकड़ के शिप लाया, शिप में उसने खूब सारी मछलियाँ पकड़ ली, ठीक है ना, शिप में उसने खूब सारी मछलियाँ पकड़ ली, ठीक है बन गई क्या मछली, हाँ सर, उसने खूब सारी मछलियाँ पकड़ ली शिप में, और इंडिया के इंडिया में पकड़ी, ये इंडिया ही तो है, और पोर्ट पे लाके किसी को बेच दी, है ना, पोर्ट पे लाके शिप की मंडी थी, फिश की मंडी थी यहाँ पे, उसमें बेच दी, ठीक, और वहाँ से नॉर्मल पब्लिक आके खरीद के ले जाती है, हाँ सर ठीक है, ये स्टोरी समझ में आ गई। तो एक्चुअली ये इस ट्रांजेक्शन को इम्पोर्ट कहा जाएगा क्या, इम्पोर्ट कहा जाएगा इसको, नहीं सर, इस जब ये इसने ये मछलियाँ यहाँ से यहाँ बेची तो इसको इम्पोर्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसने इंडिया से ही मछलियाँ पकड़ के इंडिया में बेच दी, तो इसको इम्पोर्ट नहीं किया जाएगा। चलो ये शिप ये अपना बाहर तक ले गया, अब इसने यहाँ से शिप में मछलियाँ पकड़ी, ठीक है, इसने यहाँ से शिप में मछलियाँ पकड़ी, ठीक है, और यहाँ से ला के इसमें बेच दी, अब ये इम्पोर्ट हो गया क्या, अब ये इम्पोर्ट हो गया है बच्चों, बिल्कुल इम्पोर्ट हो गया है, अब इस पर क्या लग जाएगी, इम्पोर्ट ड्यूटी लग जाएगी, ठीक, ऐसे ही। और आगे बढ़ते हैं, ये इंडिया है, ये 200 न्यूटिकल माइंस है, ONGC का प्लांट यहाँ पे है, ONGC के प्लांट ने कुछ सेल यहाँ पे कर दी इंडिया में, कुछ पेट्रोल बेच दिया, पेट्रोल निकाला और पेट्रोल निकाल के बेच दिया यहाँ पे पोर्ट पे, पोर्ट पे जहाजों में पेट्रोल भरा और जहाज को बेच दिया यहाँ पे, और भर भर के पोर्ट को मुंबई कस्टम पोर्ट पे वहां पहुंचा दिया, और अल्टीमेटली पेट्रोल बेच दिया, रिलायंस को बेच दिया, रिलायंस के पेट्रोल पंप है ना, रिलायंस को बेच दिया। तो सर क्या रिलायंस पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी पराग, ऑयल रिग्स वालों के लिए 200 न्यूटिकल माइल्स तक इंडिया ही है, समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया, पर अगर इन्होंने बाहर से कुछ रिलायंस ने बाहर से कुछ पेट्रोल खरीद लिया तो एक प्लांट यहाँ पे भी लगा हुआ है, नहीं सर 200 न्यूटिकल माइल्स तक की प्लांट है, 200 न्यूटिकल माइल्स तक इंडिया है, ऑयल रिग्स वालों के लिए बाहर से आए, फिर जो इम्पोर्ट ड्यूटी हो गया, फिर इम्पोर्ट हो गया और इम्पोर्ट ड्यूटी लेवी हो जाएगी। अब मेरे को यकीन हो गया कि तुम बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया कि सर ये इंडिया क्या है, इम्पोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट क्या है, किसके लिए कब इम्पोर्ट, किसके लिए कब एक्सपोर्ट। पर्सन इंचार्ज तुम्हें पता ही है, पर्सन इंचार्ज कौन होता है, आपका पोपा है हिंदी में बोलूँ तो, ठीक। स्मगलिंग कुछ जो भी इस पूरे चैप्टर में सेक्शंस में लिखा हुआ है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और वो नहीं किया, जो ना करना था वो कर गए, ठीक, जो ना करना था कर गई, मैं तो कित जाके मर गई गाना है ना, तो जो ना था करना वो जो कर गए तो क्या हो जाएगा, आपका स्मगलिंग हो जाएगा, समझ में आ गया सर। तो मतलब जो भी लॉ में लिखा गया वो फॉलो कर लो, अगर एक भी लॉ टूटा, सुरक्षा की कड़ी टूटी, तो आपका गुड्स क्या हो जाएगा, स्मगल गुड्स हो जाएगा, और आप चेन में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग आप पे कस्टम स्मगल के प्रावधान लग जाएंगे। कस्टम स्टेशन सर 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 कस्टम एरिया, आपका पूरा कस्टम वाटर्स भी कस्टम एरिया है, वेयर हाउस भी कस्टम एरिया है, मुंबई कस्टम भी कस्टम एरिया है, जहाँ जाता है कस्टम की चलत है वो कस्टम एरिया है। कस्टम स्टेशन अगर सी से माल आया है तो कस्टम एयरपोर्ट्स होते हैं, कस्टम एयरपोर्ट कस्टम पोर्ट्स, एयर से माल आया तो कस्टम पोर्ट्स होते हैं, है ना, इंटरनेशनल कोरियर टर्मिनल्स होते हैं, फॉरेन पोस्ट ऑफिस होते हैं, लैंड कस्टम स्टेशन, ये सारे क्या हैं, कस्टम के स्टेशन ही हैं जहाँ जहाँ पे माल रहता है सर। ठीक है आगे बढ़ते जाओ, अरे आगे जो काम की चीज़ होगी वो बताऊंगा। कस्टम पोर्ट तुम समझते ही हो, कस्टम एयरपोर्ट तुम समझते ही हो, लैंड कस्टम स्टेशन समझते ही हो, ये है सी के थ्रू माल आया तो, ये है एयर के थ्रू माल आया तो, ये है व्हीकल के थ्रू माल आया तो, लैंड के थ्रू, ठीक है ना, लैंड कस्टम स्टेशन। टाइम वेस्ट करने तो ना बैठे अपन, फालतू चीज़ों को थोड़ा टाइम देंगे सर। ठीक है, टैरिफ वैल्यू क्या होती है सर, कई कई चीज़ों की क्या है, चीज़ें क्या है, चंचल होती है, फड़फड़ाती है, मतलब वो हो सकता है आपने दुबई से माल मंगाया हो, साउथ अफ्रीका से माल मंगाया हो, शिप के थ्रू माल आ रहा हो, और जब माल चला था, जब गोल्ड की रेट थी 50,000 पर एक तोले के, है ना, 10 ग्राम एक तोला होता है ना, और जब माल पहुंचा जब 60,000 हो गई, तो किस रेट पे वैल्यू पे आपका कस्टम ड्यूटी चार्ज होगी, तो भैया बहुत लफड़े हो जाएंगे, है ना, और हो सकता है दो दो दिन में रेट चेंज हो जाए, और रेट वैल्यू चेंज हो जाए, और वैल्यू चेंज होने पर यहाँ पे बहुत इतना प्रीशियस है कि वैल्यू चेंज होने से बहुत ड्यूटी का बहुत अमाउंट पर डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए क्या करती है गवर्नमेंट, इन चीज़ों की गोल्ड की सिल्वर की रेटें पकड़ के फिक्स कर देती है, टैरिफ वैल्यू फिक्स कर देती है, बोले इनकी मार्केट रेट में कुछ भी हो हमने रेट दे रखी है, उस वैल्यू पे क्या लेना, टैक्स लेना, उसको कहते हैं टैरिफ वैल्यू। ठीक है, एंट्री बता दिया, एंट्री इनवर्ड बता दिया, ठीक है ना, बिल ऑफ एंट्री होती है, शिपिंग बिल होती है, ये सब क्या होते हैं, एंट्री क्या, एंट्री से यहाँ किसका मतलब है, बिल ऑफ एंट्री से इसका मतलब है। ठीक, अगर इंपोर्ट किया है तो बिल ऑफ एंट्री, और एक्सपोर्ट किया है तो शिपिंग बिल। ठीक, तो शिपिंग बिल कौन से केस में डॉक्यूमेंट लगता है, एक्सपोर्ट में लगता है, बिल ऑफ एंट्री किस में लगता है, इंपोर्ट में लगता है, लिख लो, बिल ऑफ एंट्री लगता है इंपोर्ट में, शिपिंग बिल किस में लगता है, एक्सपोर्ट। ठीक है, हाँ सर ठीक है,
मार्केट प्राइस, कस्टम ऑफिसर सेक्शन, ये सब फालतू बातें हैं, ये सब आप जानते ही हो। लेवी एंड कलेक्शन ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक, ये अपन करेंगे कल की क्लास में, चैप्टर 3 लेवी एंड कलेक्शन। आज की क्लास में मैं इसको बस यहीं पे ख़त्म करता हूँ। लेवी एंड कलेक्शन आपका चैप्टर नंबर नेक्स्ट चैप्टर है, इसको अपन करेंगे कल की क्लास में। तो आज के लिए बस गुड बाय बच्चों, बाय बाय। हाँ, कमेंट में जरूर बताना जैसे ही यूट्यूब पे क्लास अपलोड हो जाए, अच्छा या बुरा कमेंट जो भी हो, मैं ऐसे ऐसे नहीं बोल रहा, बस लाइक ही करना, डिसलाइक का ऑप्शन भी होता है, पर डिसलाइक जो भी बच्चा करे इस वीडियो को, प्लीज़ मेरे को कमेंट में बता दे सर आपकी वीडियो में ये कमी थी, सो दैट मैं भी आपके लिए बेस्ट से बेस्ट इम्प्रूव कर सकूँ। कमेंट में अगर नेगेटिव कमेंट भी हो तो बता दीजिएगा, ठीक है, ईमानदारी से अपने कमेंट करके चलेगा, और आपके प्यार की बहुत आवश्यकता रहेगी, लाइक करके बिल्कुल चलेगा, ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय।